स्वतंत्र वीर, राष्ट्रीय वीर सावरकर स्मारक मुंबई में दादर स्थित इस राष्ट्रीय स्मारक के साथ देश भर के तमाम वो लोग जो सीधे तौर पे इससे जुड़े हुए हैं, सावरकर साहब की विरासत को, सावरकर साहब के विचारों को, उन्होंने अपने समय में बहुत सारी बातें कही, उन तमाम सारी बातों को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस स्मारक से जुड़े हुए हर पदाधिकारी को, हर उस कर्मचारी को जो इसके साथ भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ है, और सावरकर परिवार के वारिस जनाब रंजीत सावरकर साहब की जेरे कयादत में, उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा काम पूरे देश भर में हो रहा है। यूं तो सावरकर ने बहुत कुछ लिखा है अपने दौर में, क्योंकि सावरकर उन वीर सपूतों में उनका नाम सबसे ऊपर है जिन्होंने काले पानी की सजा, यातनाओं की पराकाष्ठाओं को बरसात बर्दाश्त करते हुए वो भारत की स्वतंत्रता अपनी आंखों के सामने देखने के बाद बहुत कुछ लंबा आजादी के बाद के भारत को भी देखा है। तो उन वीरों में से हैं जिन्होंने, और ना ही आजादी के बाद सत्ता के किसी खेल में उनकी कोई भागीदारी रही। उन तमाम सारे लोगों को मैं नमन करता हूं। रंजीत भाई ने, स्वप्निल भाई ने, इन तमाम सारे लोगों ने जो आज मुझे एक विषय दिया है, वर्तमान भारत में जो राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं उसमें युवाओं का क्या दायित्व होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये विषय शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमने 70 सालों में चुनाव जीतने का, चुनाव हारने का, सत्ता प्राप्त करने का, सत्ता पे बने रहने का, ये तमाम सारे खेल देखे, और ये देश जब आजाद हुआ तो जो शुरू के 10 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, अगर हम देशों की तारीख को पढ़ें, इतिहास को जानें, तो जब भी कोई देश किसी उपनिवेशवाद से अपने आप को स्वतंत्र कराता है तो शुरू में का जो 8-10 साल का कार्यकाल होता है उसमें राष्ट्र निर्माण के लिए काम किए जाते हैं, और राज्य जो है वो पूरी तरीके से राष्ट्र को केंद्रित करके काम करता है। हम शायद उन अभागे लोगों में से हैं कि एक लंबी लड़ाई के बाद आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद जो राष्ट्र निर्माण का काम होना चाहिए था, जिसमें किसी पार्टी, किसी दल, किसी विचारधारा ये सब पीछे रहनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। और ये देश पहले दिन से
और आजादी के एक साल पहले भी ले लें, सन 1946 को भी ले लें, तो यह देश लगातार चुनाव जीतने हारने, चुनाव के साथ में जो आपकी मजबूरियां होती हैं, जो आपकी बंधन होते हैं, चुनाव जीतने के जो गणित होते हैं, आप इस मुल्क की आजादी से पहले ही उसमें शामिल हो गए। और हमारे लिए तो यह बात और भी तकलीफ दे इसलिए है कि हम आजादी नहीं हुए, एक सीधे तौर पर आजाद देश बनते तो भी शायद यह चुनावी लड़ाई शुरू होती तो भी हमारा नुकसान नहीं होता। लेकिन एक देश अपने आजादी से पहले ही विचारधाराओं के क्लेश में फंसा हो, पार्टियों के मैनिफेस्टो में फंस गया हो और आजादी मिली जिस वक्त आजादी की जश्न मनाया जा रहा था और इस आजादी को लेकर के देश भर में एक आर्टिफिशियल माहौल बनाया जा रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान में खासतौर से बंगाल में और पंजाब में लाशों के ढेर लगे हुए थे। यह देश आजाद तो हुआ लेकिन दो भागों में खंडित हो गया। यह लड़ाई, यह आजादी की जितनी भी गाथाएं हैं, उन गाथाओं को जब तक भारतीय जीने की कोशिश करते, इस आजादी का जश्न मनाते, घर घर में दिए जलते, घर घर में 1000 साल की पराधीनता से आजाद होने की खुशी मनती, लेकिन स्वार्थी और लालची नेताओं ने इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को अपनी अना का मसला बनाया और 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले ही यह देश बट गया और लाखों लोग मारे गए। या नहीं, 15 अगस्त को जिस वक्त देश के विजनरी प्रधानमंत्री, जिनको आजादी मिलने से पहले ही अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत अपॉइंट कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया था, सत्ता पे बैठने की जल्दबाजी और फिर सत्ता में बने रहने की चाहने, जब लोगों के घर में आग लगी हुई थी, लाशें बिछी हुई थी, तब दिल्ली के अंदर सत्ता प्राप्त करने की चाह में जिन लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पावर को मान लिया था, वो लोग यहां एक बड़ा विजनरी भाषण दे रहे थे और उस भाषण के तहत देश को बताया जा रहा था कि देश में बड़ा उल्लास है, लाखों करोड़ों घरों के अंदर मातम छाया हुआ था। हमने सत्ता की इस लड़ाई में लाखों लोग, लाखों स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के 26,000 सैनिकों का बलिदान, करोड़ों अनगिनत बेनामी लोग जिनके नाम नहीं पता हैं, उन सब के बलिदानों पर पानी फेर दिया। इसलिए राष्ट्र निर्माण का काम इस देश में राज ने तय करा और शायद यही वजह है कि 70 सालों में हमारा संविधान, हमारी संसद, हमारी चुनाव प्रणाली, हमारी व्यवस्था, ये तमाम संगठन, ये तमाम संस्थान
सब धीरे धीरे एक एक करके अपनी जमीन खोने लगे हैं। आज भारत आजाद तो है, लेकिन इस आजादी के अंदर भी जो असली आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने अपना घर परिवार पूरे पूरे खानदान की आहुति दी, आजादी के बाद जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जिन्हें उस वक्त की सत्ता से टकराना चाहिए था, वो टकराए नहीं, उन्होंने तलवे चाटे। इसलिए जो हमारे आइडियल बनने चाहिए थे, जिनसे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, जो हमारे आदर्श बनने चाहिए थे, उन सब की तस्वीर, उन सब का इतिहास दबाने की कोशिश में ये आजाद भारत के सत्ता पे बैठने वाले लोगों ने काम शुरू कर दिया। दिखाने को तो बहुत कहा गया कि बड़े दिल के लोग हैं, लेकिन जब बौने लोग बड़े होने की कोशिश करते हैं तो वो अपने इतिहास को बताने के लिए असली इतिहास को दबा देते हैं, और 1000 साल की गुलामी की वजह से जनमानस हताशा में और निराशा में था। जिस मकसद के लिए आजादी ली गई थी, उस मकसद का पहले दिन ही ये मकसद डिफीट होता नजर आया, और राज और राष्ट्र के बीच की दूरी इस तरीके से आपस में मिला दिया कि लोगों को यह बोध ही समाप्त हो गया राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है। राष्ट्र की आकांक्षा क्या है, अपेक्षाएं क्या हैं, उसके एम्बिशंस क्या हैं, उसकी प्रेरणाएं क्या हैं, उसके मूल क्या हैं, उनके सरोकार क्या हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनका इतिहास क्या है, इस राष्ट्र को नहीं बताया गया, क्योंकि राज ने राष्ट्र को ही सब कुछ समझ करके राष्ट्र की अवहेलना की। इसलिए आज भी इस तथाकथित आजादी और तमाम विचारधाराओं की सरकारों के बावजूद भी आज भी यह देश अपनी पहचान के लिए 70 सालों से लड़ रहा है। और आप ट्रेजिडी देखिए कि हम अपनी पहचान को भूल करके एक ऐसी संस्कृति को, एक ऐसे इतिहास को जो हमारे गौरवशाली हजारों साल की सभ्यता को, संस्कारों को कुंठित करता हो, उनको हमें महान बता करके जगह जगह उनकी मूर्तियां, जगह जगह उनकी तस्वीरें, जगह जगह उनके गुणगान, जो नहीं थे उसका भी गुणगान किया गया, और इतने बड़े बड़े झूठ बोले क्योंकि राज सत्ता राष्ट्र के ऊपर इतनी हावी हो गई पहले दिन से, जिसके कारण हमें कई झूठ बोले, और राष्ट्र के पुरुषार्थ को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि हमने आजादी के बाद या ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद राज करने का तरीका वही रखा जो अंग्रेजों का था, और तो और जो पार्टी ये क्लेम करती है कि इस आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, जबकि मैं ये मानता हूं आज वो पार्टी अपने असली रूप में 70 सालों के बाद देखने को मिलती है कि यह पार्टी नहीं थी, इस पे पहले दिन से किसी परिवार का कब्जा था,
और परिवार की चाह और परिवार की सोच और परिवार की चाहत ही राष्ट्र की चाहत बना दी गई। तब भी उस पार्टी में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद थे, लेकिन क्योंकि ये देश सुविधा भोगी समाज है, ऐसे लालची लोगों को चुना गया जो छोटी छोटी सुविधाओं के कारण राष्ट्र के खिलाफ होने वाले षड्यंत्रों को भी दरकिनार उन्होंने कर दिया। और सब लोग सत्ता प्राप्ति और सत्ता के इर्द गिर्द सत्ता के संस्थानों से कैसे फायदा हो इसमें लग गए। तो पहला झूठ बोला कि यह आजादी हमको नॉन वायलेंस से मिली है, अहिंसा से मिली है। और उस वक्त के जो नेता थे उन्हीं को हमने बस महान माना, जो उनके साथ वो महान, जो उनके खिलाफ 420 की गई, अपराध किए गए, ऐतिहासिक अपराध किए, साहित्यिक अपराध किए, और उनको एक विलियन बना करके समाज के सामने खड़ा करने की राज सत्ता ने कोशिश की, क्योंकि वो तमाम सारे लोग उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी उनसे करोड़ों गुना बड़ी थी, क्योंकि वो अपने होने पे नहीं शर्माते थे। आपका गुमान नहीं था कि वो अंग्रेजों के बीच रह करके मेमो के हाथ साथ साथ घूमने से उनको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, और वो अपने देश की, अपने राष्ट्र की जुड़ी हुई सभ्यता और संस्कृति की बात को रखने में अंग्रेजी के हाई साउंडिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, और शायद इसीलिए उनको एक ऐसा बनाया गया कि ये कंजर्वेटिव हैं, ये दकियानुसी लोग हैं, और आपने एक विभाजन की रेखा खींची और फिर अपने ही जैसे बौनों लोगों को इकट्ठा किया और आपने राज किया। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, झूठ को आप कितना भी मुलम में लगाएं, कितना भी उस पर मेकअप करें, एक ना एक दिन वो झूठ सरे बाजार खुलता है, और सच को कितना भी गहरा दबाएं, सच की प्रवृत्ति होती है कि वो उतनी ही ताकत से बाहर आता है। सावरकर का इतिहास जितना दबाया गया, छत्रपति महाराज शिवाजी का इतिहास जितना दबाया गया, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के साथ समझौता करके आपने उन्हें उस प्लेटफॉर्म से हटा दिया, आपने आजाद भारत में 1958 तक उनके घर की जासूसी कराई बीइंग ए प्रधानमंत्री, आप चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी की और उनकी हत्या कराई आपने, ये सच आज पूरे जोर से चिल्ला चिल्ला करके उस खानदान के जो भी वारिस हैं, जो अब इस देश को बेचने की ताकत में लगे हुए हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, उन सब के सामने जोर जोर से बोल रहा है। और ये राष्ट्र के अंदर जो चेतना पैदा हो रही है, ये कुछ पार्टियों को, कुछ दलों को, कुछ संगठनों को अच्छी नहीं लग रही। उनको इस बात का दुख है कि जो नींद की गोली इस राष्ट्र को, राष्ट्रवादियों को, भारतवर्ष कहने वाले लोगों को उन्होंने दी थी, वो उसका नशा अब उतर रहा है। तो पिक्चर भी साफ साफ नजर आ रही है, सच और झूठ के बीच का फर्क भी नजर आ रहा है, राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है इसका फर्क भी नजर आ रहा है। और लगता है कि इस 70 में हमने भारत राष्ट्र को कितनी गहरी चोट दी है। इसलिए जो मुद्दा आपने रखा है, युवाओं का दायित्व क्या है, युवाओं को भटकाने के लिए
आपने उसे सत्ता के इर्द गिर्द पार्टी पॉलिटिक्स में नारे लगाने में पोस्टर चिपकाने में और रोज बरोज होने वाली घटनाओं पे इंगेज कर दिया है। क्योंकि ये युवा अगर अपने इतिहास को जानेगा, हजारों लाखों साल पुरानी परंपराओं को जानेगा, संस्कृति को जानेगा, तो ये सवाल जब हमसे पूछेगा तो हमारी राजसत्ता बचेगी नहीं। इसलिए ऐसे नॉन इश्यूज में इस देश के युवाओं को उलझा के रखो कि इन्हें अपने होने का एहसास ही ना हो। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, विदेश में नौकरी, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े लिखे होना, टाई लगाने वाला जेंटलमैन, खेत में किसानी करने वाला रूढ़वादी, गरीब, दकियानूसी, कंजर्वेटिव, ऐसे तमाम नैरेटिव से आपने युवाओं को इंगेज कर दिया, ताकि इस देश का युवा जो राष्ट्र है, मैं कहता हूं राष्ट्र परमानेंट है और राज आना जाना है। कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, कभी वो विचारधारा आएगी, कभी ये विचारधारा आएगी, कभी कोई नया प्लान आएगा, कभी कोई नया मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन ये जो एक मानसिकता हो गई है मैनिफेस्टो में, हम फ्री ये देंगे, हम फ्री टीवी देंगे, साउथ में स्थिति यह हो गई है कि चुनाव के दरमियान में मैंने खुद यह कई बार देखा कि एक पार्टी कहती है कि हम टीवी देंगे, दूसरा वाला कहता है हम आपको केबल कनेक्शन देंगे। या नहीं, सनातन के मानने वाले हजारों, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले उन लोगों को कहां पर आकर के आपने बौना बना दिया है कि आज एक पार्टी केबल देती है, दूसरा टीवी देता है, कोई गैस देता है, कोई चावल फ्री देता है, कोई आटा फ्री देता है, और आपने पूरे देश की मानसिकता को इसमें उलझा दिया है कि बिजली का बिल फ्री देंगे हम आपको। सिर्फ वादा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा, और उसे इन बहसें, ऐसी बहस ना हो, ऐसे मुद्दे ना उठें, इसकी कोशिश की जा रही है। एक पार्टी है, उसे कुछ लोगों ने बनाया, उसका एक रजिस्ट्रेशन हो गया। ऐसी हजारों पार्टियां इलेक्शन कमीशन में देखें, लेकिन क्या भारत का चुनाव आयोग चुनाव होने के समय यह नहीं पूछ सकता है कि आप अपने मैनिफेस्टो में, क्योंकि जब तक आप चुनाव लड़ रहे हैं तब तक आप सरकार थोड़ी नहीं है, कोई चुनाव कोई भी लड़ सकता है। तो कल कोई ऐसा विदेशी आए जो यहां की नागरिकता ले ले, जबकि वैसे बहुत सारे लोगों ने ले रखी है, और कल आकर के वो ये कहे कि कल अगर आप हमारी पार्टी को जिताएंगे तो हम आपको इंग्लैंड में 5,00,000 स्कॉलरशिप देंगे, हम आपको ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, तो क्या आप किसी ऐसे लोगों को देश सौंप देंगे? और ये काम आप एक बार कर चुके हैं, लिहाजा ये मनोदशा भारतीयों की बना दी गई है कि जो फ्री देगा ज्यादा से ज्यादा आप उसे वोट दे देते हैं, लेकिन ये कभी सवाल नहीं पूछते कि एक पार्टी के रूप में आप जो वादा कर रहे हैं ये पार्टी की जिम्मेदारी है, सत्ता में आने के बाद पार्टी के खाते से और पार्टी का जो पैसा है उसके खाते से आप अपना मैनिफेस्टो पूरा कीजिए, क्योंकि आप जब सत्ता पे आ जाते हैं तो सत्ता में जो भी कुछ निर्णय लेते हैं वो उस देश का जो राजस्व आपको मिलता है, जो हर नागरिक देता है, उससे देश चलता है। लिहाजा आपने जो वादा किया है
वो सत्ता में तो आ गया, लेकिन वादा आपकी पार्टी का था तो वो पार्टी के पैसों से पूरा होना चाहिए ना, मेरे और आपके टैक्स से तो नहीं होगा ना। मैंने तो वोट नहीं दिया कि मुझे बिजली फ्री देने की वजह से आपको वोट दे दिया। तो जो 20-25 लोग आप परसेंट लोग आपको वोट देते हैं, आप उनसे सत्ता में बैठते हैं, और लेकिन बाकी लोग जो हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है वो 99% टैक्स देते हैं, आप उनके पैसे से चीजें बांटते हैं। पहले सड़क बिजली पानी का मामला होता था, अब चुनाव में ये सब होने लगा है। तो क्या आज के युवाओं को ये बात नहीं करनी चाहिए कि भाई सत्ता प्राप्ति के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप कोई वादा कर दीजिए। वादा करने में पैसे नहीं लगते ना, वादा करने में आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा ना, आपको सिर्फ वादों की किताबी तो छापनी है और सत्ता में आने के बाद फिर नोट छापने। तो एक आम नागरिक जिसके टैक्स से ये देश चलता है, लेकिन राजनीति को हथियाने के लिए, राजनीति को के माध्यम से सत्ता तक पहुंचने के लिए आपने भोले भाले लोगों को लालच दिया और आप उसी मानसिकता को आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं। तो क्या भारत के चुनाव आयोग को तमाम पार्टियों से कहना चाहिए कि आप अपने मैनिफेस्टो में कोई भी चीज फ्री देने का वादा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप फ्री दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप सत्ता पे जाएंगे तो वो राज्य का पैसा होगा, देश का पैसा होगा, टैक्स का पैसा होगा, वो सबका पैसा है। उस पैसे से राष्ट्र निर्माण के काम होंगे, आप लोगों को फ्री बांटने के लिए पैसा नहीं होगा। ये बात नहीं कोई उठाता है। इसलिए आज का युवा चुनाव के दरमियान उसका शोषण होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने, उसके सामने मुद्दे ही नहीं है। 28 पार्टियां सेकुलर हैं और सबके सेकुलरिज्म का एक ही एजेंडा है कि मुसलमानों की नाजायज मांगों को उनको किसी भी तरीके से अपीज करो तभी हम सेकुलर होंगे। सब सेकुलर हैं। तो मैं कहता हूं कि आज के युवा अगर कुछ मुद्दों को उठाना चाहते हैं, यह मान करके कि ये मुद्दे मेरे अपने जीवन काल में शायद मुझे सीधे तौर पे इससे कोई बेनिफिट ना भी हो, लेकिन किसी ना किसी को इस आजाद भारत में जो जघन्य अपराध राजनीतिक दलों ने और सत्ताओं ने किया है उसकी कीमत एक पीढ़ी को देनी पड़ेगी। और अगर कोई पीढ़ी इसके लिए तैयार नहीं होगी तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ताएं तो आएंगी, लेकिन ये राष्ट्र, ये सनातन, ये संस्कृति, इस देश के सरोकार, ये सब धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए हम सब कोई जंगल में नहीं घूम रहे हैं, हम सब एक ऐसी संस्कृति और एक ऐसे आदर्श के मानने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में बिना एक पत्थर फेंके पूरी दुनिया को मुतासिर किया, इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि हम किसी किताब के, किसी मंदिर के घंटे के, किसी खास पूजा पद्धति के बंधक नहीं थे। हम साक्षात इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, उसी तरीके से हम भी हैं। हमारा क्या दायित्व तो है, हमारी क्या ड्यूटीज हैं, ये तय थी। इसीलिए शायद हम दुनिया में जाने जाते हैं। हम कभी इस बात के लिए नहीं जाने जाते कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर बम हैं, हमने किसी देश के ऊपर हमला करके उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं की। यह बात अलग है कि इस देश की आजादी से पहले एक बर्बर
एक ऐसी सभ्यता इस देश पे हावी हो गई जिनका मजहबी लूटपाट करना, बलात्कार करना, तलवार से दुनिया को कन्वर्ट करना, ये 1400 साल पहले एक ऐसी मानसिकता कबीले से उठी जिसने पूरी दुनिया को वहशी बनाने की मजबूर कर दिया। और आज हम 70 सालों में अपने घर को सुरक्षित नहीं पाते, अपनी कॉलोनी को सुरक्षित नहीं कर पाते, अपने जिले, अपने राज, अपने देश को नहीं कर पाते, और 24 घंटे राउंड द क्लॉक ये देश, इस देश के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां हमारे ही टैक्स से, हमारे ही मंदिरों के पैसे से ताकतवर हो रही हैं, और लगातार हर दिन हर सेकंड वो इस देश को कैसे कमजोर करें, कैसे इस देश की सत्ताओं को, व्यवस्थाओं को मजबूर करें कि वो तमाम उन मजहबों की जो वहशियाना उनकी सोच है, जो उनकी किताबें प्रेरित करती हैं, उसके सामने सत्ता झुक जाए। तो हम ये झूठ बोल सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीजें तत्कालिक तौर पे आप प्राप्त करते हैं और कुछ चीजें आप नहीं प्राप्त करते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी को मिलती हैं। और जब आप एक दूसरी पीढ़ी को कुछ ऐसी चीजें देके जाते हो, तब ये समझ लीजिए तब आपने अपने जीते जी राष्ट्र को बचाया और आने वाली पीढ़ियों को वो इतिहास, वो किताब, वो आदर्श, वो मूल, वो सरोकार देके गए कि फिर देश की बात नहीं कर रहा, राष्ट्र पटरी से नहीं उतर सकता। इसलिए ये मूवमेंट चलाइए। ये रोज रोज सरकार की का भी फैसला आया, सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले आए, आप उसके खिलाफ खड़े हो गए, आपका उस पर नाराजगी है, सारी एनर्जी आपने उस पर लगा रखी है। इसलिए अब 2020 के भारत से, 2020 के युवा से मैं इसलिए यह बात कह सकता हूं कि आज आपको यह शिकायत नहीं है कि आपको यह पता नहीं है कि राज सत्ता क्या कर रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, आप कौन थे, आप कौन हैं और क्या हो गए। ये सब कुछ आपके हाथ में है, कम्युनिकेशन का दौर है, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। हमसे पहली पीढ़ी के पास और कुछ हद तक हमारे दौर में भी जब हम युवा थे तब ये सब चीजें नहीं थी, हमें एक ही नैरेटिव के ऊपर भरोसा करना पड़ता था। इसलिए मैं जो ये कहना चाहता हूं कि आज उन मुद्दों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं जो मुद्दे इस राष्ट्र को मजबूत करें। अब आप कह सकते हैं कि राष्ट्र को मजबूत करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, देश का क्या फायदा होगा। देश में और राष्ट्र में फर्क समझिए, राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, किसी बाउंड्री में नहीं बदा हुआ। राष्ट्र का मतलब होता है आपके मूल, आपकी आस्थाएं, आपकी उपासना, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपका इतिहास। जब राष्ट्र मजबूत होगा तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों की सोच मजबूत होगी, तब आप राष्ट्र और राज्य में फर्क करेंगे। और जिस दिन राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होंगी तब तब देश में बौने लोग सत्ता पे नहीं आएंगे, क्योंकि राष्ट्र को कमजोर कर दिया है। 5% लोगों को कुछ दे दो, 16% लोगों को कुछ दे दो, इनको बुला लो, इनको मंगा लो, और जो बहुसंख्यक समाज है, जो मेजॉरिटी है, जो सनातनी है, उसके लिए कुछ मत करो, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया में है, वो तो सोते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमें वोट डालना है क्यों नहीं डालना है। आप 100% हैं तो 10% वोट डालते हैं, वो 10% है तो 100% वोट डालते हैं।
तो उनका 10% 100% है, आपका 90 का 10% ही है। और जब सत्ता पे उन लोगों को वो ताकतें बिठाने में कामयाब हो जाती हैं, तो उनको लगता है कि हमें इन 90% लोगों से क्या करना है भाई, इनका काम तो है कमाओ, टैक्स दो, ईमानदारी से रहो और देश के कानून को मानो, और जिन्होंने हमें वोट दिया है ये दंगा करें, ये दिल्ली में दंगा करें, ये मेरठ में दंगा करें, ये मलियाना में करें, ये रामपुर में करें, ये मुरादाबाद में करें, ये मलियाना में करें, ये आजमगढ़ में करें, सब जगह दंगे फैलाएं, खुलेआम हत्याएं करें, सड़कों पे रोज रोक लें और कहें साहब हम तो यही नमाज पढ़ेंगे, हम 5 वक्त चिल्ला चिल्ला के ये बताएंगे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती, और लाउड स्पीकर पे अजान देना हमारा अधिकार है, और हमने जितने बच्चे पैदा किए इसकी जिम्मेदारी है, देश पाले, नहीं पालेगा तो कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई बदमाशी करेगा, कोई चोरी उठाई गिरे का काम करेगा। तो जब आप सत्ताओं पे ऐसे लोगों को बिठाते हैं तो व्यवस्था कैसे पंगु हो जाती है, जिस व्यवस्था के सामने सब बराबर है उस व्यवस्था की स्थिति यह होती है कि वो दंगाइयों को नहीं पकड़ पाती, क्योंकि राज सत्ता नहीं चाहती कि उनके वोट बैंक को पकड़ा जाए, उनके वोट बैंक के हत्यारे को सजा मिले। और यह इतने लंबे समय तक हुआ कि आपने संविधान के अंदर नाजायज तरीके से कुछ काम किए, संविधान को अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलाया, और कई ऐसी चीजें बना दी आपने कि आज आपको उनके बारे में पता ही नहीं है कि आप ये पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, और हमें बड़ा ही लगता है हम पैसा कमा रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम नमक का भी टैक्स देते हैं, चीनी का भी टैक्स देते हैं, मसाले का भी टैक्स देते हैं, और फिर इनकम टैक्स भी भरते हैं, तो हमारा टैक्स कितनी जगह जाएगा भाई। लेकिन जिनको ना टैक्स की चिंता है, जो टैक्स के एजेंडे से चलते ही नहीं है, उनकी बात नहीं मानोगे तो वो रेल जला देंगे, बसें जला देंगे, वो इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखेंगे कि भारत के अंदर हिंदू ठग जो हैं वो हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप आइए और भारत सरकार को जरा सा उसको उसकी औकात में लाइए क्योंकि आप तेल देते हैं। वो चिट्ठियां लिखते हैं यहां के संवैधानिक पद पर बैठे हुए। इसलिए मैंने कहा कि आपको ये तय करना है 2020 के भारत को कि आप किसी से लड़े नहीं, सनातनी को किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सनातनी सच मैनों में सनातनी बनेगा, सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से, कुछ वेशभूषा से कोई सनातनी नहीं होता। सनातन का मतलब है साइंस, सनातन का मतलब है सामर्थ्यवान, साहस, सरोकार, संस्कृति। जब इसकी ताकत आपके अंदर होती है तो आपके तेज से, आपके चेहरे से बिना कहे दुश्मन और गद्दार डरता है। लेकिन 1000 साल की गुलामी के कालखंड के कारण सत्ताओं पर ऐसे बौने लोग बैठे कि आप अपनी पहचान भी भूल गए, इतिहास गलत पढ़ाया गया, और आपको यही लगने लगा कि ये जो पहला देश का जाहिल, अनपढ़, मदरसा छाप देश का पहला शिक्षा मंत्री बना, उन्होंने जो शिक्षा नीति चला दी वो चल रही है, इसलिए आप शिवाजी के बारे में कुछ भी कहते रहे वो बच्चों को नहीं बताया जा रहा, इसलिए सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर के बारे में नहीं बताया जा रहा, छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं बताया जा रहा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं बताया जा रहा। हजारों लाखों ऐसी प्रेरणा के स्रोत हैं कि जिनके जीवन को पढ़ें तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इन ऐसे लोगों के बारे में सत्ताओं ने कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर ऐसे लोगों की
कहानियों को बच्चों को पढ़ाया जाता तो उन बच्चों के अंदर सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, छत्रपति शिवाजी, जीजाबाई, विवेकानंद, ये सब बनने की प्रेरणा मिलती। वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं किताबों में है, किताबों में पढ़े, उन पे निबंध तो लिखे, लेकिन ऐसे बने ना। क्योंकि अगर आप बन गए तो जो राज सत्ता पे जो बौने आते हैं, कोई 2 रुपए किलो चावल में खरीदता है, कोई बिजली के बिल के फ्री, तब आप नहीं बिकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सनातन और राष्ट्र ये अलग नहीं है, क्योंकि सनातन इस कायनात, इस यूनिवर्स का हिस्सा है। इसलिए आपके जीवन शैली में सब कुछ उस ब्रह्मांड में जो है उसके प्रति आपकी ड्यूटी है, ये यहां तक करना है, ये यहां तक करना है, ये यहां करना है, बस। उस प्रकृति ने आपको इस जीवन में जो कुछ चाहिए उतना दिया है। लिहाजा आज के युवाओं से मेरी विनती है, 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको अगर आप उठाएंगे, और हतोत्साहित मत होइए, आर्टिकल 370 और 35A को हम सबने अपनी आंखों के सामने समाप्त होते देखा है। और यह मत समझिए कि सत्ता पे जो लोग बैठते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता। सत्ता के पास इतने तंत्र हैं कि उन्हें सब पता होता है, लेकिन कभी भारत राष्ट्र के राष्ट्रवादियों ने, सनातनियों ने सामूहिक तौर पे किसी बात को रखा ही नहीं। आपको बांटा, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये यादव है, ये कुर्मी है, इतनी जगह बांट दिया कि आप एक सनातन परिवार की तरह आपने कभी व्यवहार किया ही नहीं। वो ये जानते थे कि अगर ये एक हो गए तो राज सत्ता को 24 घंटे काम करना पड़ेगा। ये सत्ता पे बिठाने के बाद मेरे सामने खड़े रहेंगे और राष्ट्र के प्रति जो मुद्दे हैं जिससे राष्ट्र मजबूत होता है, ये सत्ता को मजबूत करने नहीं आए हैं, ये राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हैं। लिहाजा आपके उस सर पे सवार रहेंगे। तो राज सत्ताएं नहीं चाहती, राज सत्ताएं आपको उलझाना चाहती है। तो एक इशू तो यह है कि चुनावों से पहले आप कहिए कि भारत के संविधान में सरकारों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से जो अमेंडमेंट किए हैं, जो किसी राज सत्ता को सत्ता पे बिठाने के लिए मददगार हो सकता है, क्योंकि आपने किसी को एक्स्ट्रा ताकत दे दी है, हम उनको हटाएंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। जब ऐसे मुद्दों को आप रखेंगे तो यह हो सकता है कि राजनीति में ये बड़े लुहावने, बहुत अच्छे मुद्दे नहीं लगे लोगों को, लोग कहें ये कौन सी लड़ाई है। लेकिन अब हमें इस तरीके के मुद्दों से, इस तरीके की घोषणाओं से हमें दूर रहना है। और आप सामूहिक तौर पर यह मांग करें, आज का युवा मांग करे, ये इस घटना से करोड़ों करोड़ों लोगों का फायदा होगा, करोड़ों करोड़ों लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, और आपकी आंखों के सामने होगा। एक बार इसको मुद्दा तो बनाइए और उसका प्रेशर आज से बनाइए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, 2024 में इस देश का चुनाव होगा। आपने 2014 और 2019 के बाद यह तय कर लिया कि इस देश की राजनीति की दशा और दिशा किधर होगी। ये 5 लोग, ये 10 लोग, 4 MP, 12 MP, 50 MP मिलकर के, ये भानुवती का जो कुनबा था, जो लूटने के लिए सत्ता पे बैठता था, पहले तो आपने इस मानसिकता को समाप्त कर दिया। और जो लोगों को सत्ता पे बिठाया उन्हें इतना बहुमत आपने दिया कि उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए कि अब ये नहीं कह सकते कि हमें
छोटे छोटे दलों के लालच को पूरा करने के लिए कुछ राष्ट्र हित के मुद्दों को छोड़ना पड़ा और राष्ट्रवादी ताकतों को इतना बहुमत दीजिए कि उनके भागने के रास्ते बंद हो जाएं। वो कोई सवाल आपसे ये ना कहें कि हम यहां कमजोर थे इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे। और शायद जब आपने इस देश को डिसाइसिव मैंडेट दिया, जब आपने 2 रुपए किलो चावल और कुछ सब्सिडी में मिल जाने की लालसा से अपने आप को बाहर निकाला, तो 2 सरकारें आपने पूर्ण बहुमत की दी। जो 14 में कमी थी उसको आपने 19 में पूरा कर दिया, और जो 19 में और अगर किसी को लगता है तो वो 24 में पूरा करिएगा। लेकिन राज सत्ता पे जिन्हें बिठाया है, ये भी सच्चाई है कि एक 70 साल की कीचड़ को, 70 साल के फरेब और फ्रॉड्स को जो संसद में हुए, जो संविधान में हुए, उनको दूर करना एक दिन का खेल नहीं है। 370 35 पे हटा और राज सत्ता की जब ताकत होती है तो उसके जितने भी अंग हैं, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, सबके अंदर एक नया पुरुषार्थ जगता है और सब ये समझते हैं कि सत्ता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कोर्ट के फैसले भी वो आए जो आने चाहिए थे, जो तथ्यों पे थे, लेकिन तथ्यों के बावजूद भी कोर्ट 150-150 साल लगा रही थी। इसलिए मेरा आज के युवाओं से एक नया मुद्दा है, ये 370 और 35A की तरह ही एक जघन अपराध है और संविधान से भी इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। 1993 में राजनीतिक और स्वार्थ के कारण, उस पृष्ठभूमि को मैं कहीं अपने पुराने लेक्चर में कह चुका हूं, जब ये देश रात के अंधेरे में सही, इसके संविधान में जब आपने शब्द सेकुलर जोड़ दिया, तो फिर जब ये देश सेकुलर है, सेकुलर का मतलब, क्योंकि सेकुलर की अवधारणा ही है वैसे हमारे यहां गलत है कि सेकुलर शब्द आया कहां से, इसको 2 लाइन में डिफाइन करूंगा, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। जब दुनिया में सत्ताएं चर्च के माध्यम से देखरेख में चलती थी, तो उस वक्त भी लोगों में ये इस किस्म का एक विचार आया कि सत्ता पे बैठने वाले राजा का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, वो कहीं चर्च के माध्यम से इतना ज्यादा प्रभावित ना हो जाए कि उसकी पॉलिसी में चर्च के मानने वालों के प्रति ही ज्यादा वफादारी हो और दूसरों के प्रति ना हो। तो यह कहा गया कि जो सत्ता पे बैठेगा उसका कोई मजहब नहीं होगा, इसलिए राज सत्ता सेकुलर होनी चाहिए। तो राज सत्ता में जो बैठेगा उसका कोई मजहब नहीं होना चाहिए, यह फंडा था, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यह पूरी तरीके से निराधार है। हमारा इतिहास बताता है कि राजा का कोई मजहब नहीं होता था, राजा का धर्म होता था। और धर्म का मतलब क्या है कि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा के प्रति क्या हो, अपनी सेना के प्रति क्या हो, अपनी संस्कृति के प्रति क्या हो, अपने संस्कारों के प्रति क्या हो, उसका उसके प्रति दायित्व क्या है, ड्यूटी क्या है, वही धर्म था। लेकिन हमने झूठ बोला और धर्म और मजहब को एक जगह खड़ा कर दिया। हम धर्म है और धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं होती। मैं बात इसको इसलिए आसानी से आपको समझाना चाहता हूं कि हम बातचीत में कहते हैं कि भाई हम आज धर्म संकट में फंस गए कि हम ये करें या ये ना करें। तो ये धर्म क्या है, ये ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है,
सनातन में, ये जो धर्म जिसको हम सनातन कहते हैं, इसमें आपकी पर्यावरण के प्रति क्या ड्यूटी है, नदियों के प्रति क्या ड्यूटी है, पहाड़ों के प्रति क्या ड्यूटी है, ये जो ब्रह्मांड है इसको उस जैसी स्थिति में रखना, इसका संतुलन न बिगड़े, यही आपकी ड्यूटी है, यही सनातन है। सूरज की पूजा हो, नदियों की पूजा हो, ये तो हमने लोगों को सीधे तौर पर उस कॉम्प्लेक्स साइंस को नहीं समझा सकते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल शब्द नहीं थे, और बीच के कालखंड की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं रहे, तो हमने इसको आस्था के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि गंगा की पूजा करो, गंगा आरती करो, तो गंगा आरती करने से गंगा के अंदर कोई सोने की मूर्ति आपको नहीं मिलने वाली। गंगा की पूजा का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि गंगा मां, क्यों कहते हैं गंगा मां, इसलिए कि एक मां आपको जन्म देती है और एक मां आपको पालती है, अगर गंगा मां का दर्जा नहीं दोगे तो उसके प्रति आपकी आस्था मां की जैसी नहीं होगी और आप उसकी सेवा मां की तरह नहीं करोगे, और जितनी पवित्र आपकी मां है उतना ही उस गंगा में बहने वाले पानी को भी पवित्र रखना आपका धर्म है, इसलिए आप उसकी पूजा करते हो, सूरज की पूजा करते हो, पीपल की पूजा करते हो, अग्नि की पूजा करते हो, आकाश की पूजा करते हो, ये सब इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, यूनिवर्स के हिस्से हैं। मैं आपसे चाहता हूं 1993 में भारत की उस वक्त की सरकार ने मुसलमानों से जो 1984 में सिखों के मर्डर कराए, जो कत्लेआम दिल्ली में हुआ, उनको उनका पुरस्कार देना था। 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के बाद जो इस देश में राजनीतिक लाभ के लिए काम किया गया, इस देश के बहुसंख्यक समाज को एक ऐसे रंग से पेंट कर दिया गया कि उस सनातन के जो बड़ा बेटा था उसके खिलाफ खड़ा करा गया, और इसके लिए आपने ये शाहीन बाग वाले लोगों को, ये देवबंद और बरेलवी वाले लोगों को, ये पांच वक्त की नमाज पढ़ने के दावा करने वाले लोगों को आपने दिल्ली में खुली छूट दी कि मारो, इसलिए 3,500 सिख दिल्ली में मारा गया, देश भर में हजारों मारे गए, लेकिन मारने वाला कोई आज तक पकड़ में नहीं आया। चंद लीडरों के ऊपर नाम आया और वो लीडर भी लगातार 1984 के बाद मंत्री भी बनते रहे, संतरी भी बनते रहे, संसद में भी गए, कुछ फर्क नहीं चला, एक सरकार ने कहा करते हैं, ये है इसमें, ये नहीं है, चंद चार पांच लोग, लेकिन जिन लोगों को जमीन पर मारा गया उनमें से एक भी पकड़ा नहीं गया। पुलिस व्यवस्था आपकी थी, सरकार आपकी थी, लेकिन पकड़ना नहीं था, क्योंकि आपको अपना एजेंडा लागू कराना था, और उन्हीं लोगों को आपने 1993 के अंदर एक पुरस्कार के रूप में गैर संवैधानिक काम किया। इसलिए मैं आज के युवाओं से चाहता हूं कि इस दौर में भी आपके पास लड़ने के लिए, मुद्दे उठाने के लिए ऐसे हैं जिसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न गैर संवैधानिक है, न बाबा साहब के संविधान की आप कोई अवहेलना करने जा रहे हैं, क्योंकि उस संविधान की अवहेलना तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को 26 साल बाद ही उसकी अवहेलना कर दी गई थी, 76 में, बिना रात में किसी से सलाह मशवरा करे हुए, रात के अंधेरे में, जब पूरा देश इमरजेंसी के अंदर बंद था, कोई भी मौजूद नहीं था, आपने उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया, जिसके बारे में खुद बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इस शब्द को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगले 100 सालों में जब नई जनरेशन आएगी तब इसकी कोई जरूरत होगी और उनको लगेगा तब इसको लेंगे, इसको आज क्यों, लेकिन आपने राजनीतिक कारण से जोड़ दिया। लेकिन मैं कहता हूं जोड़ दिया तो चलिए, उसके बाद भी हम आगे की बात कर लेते हैं। अगर 76 में भारत का संविधान सेकुलर हो गया था, भारत सेकुलर हो गया था, तो फिर सेकुलर भारत में माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? ये बहुसंख्यक हैं, ये अल्पसंख्यक हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्पसंख्यक हैं, ये क्यों बांटा गया? इसका तो जिक्र नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मजहब के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता।
इस रिजर्वेशन में क्या है? संसद में कुछ सीटें रिजर्व है, विधानसभा में रिजर्व है, और देश की जो व्यवस्था है उसमें कुछ कोटा है। चलिए ये भी मान लिया। तो अंबेडकर ईमानदार थे, कम से कम उन्होंने कहा भाई ये 10 साल के लिए लागू होगा, लेकिन राजनीतिक दलों ने उसे आगे चलाया। मेरा वो भी विवाद का विषय नहीं है, मेरा विवाद का विषय यह है कि जब उन्होंने कहा कि धर्म मजहब के नाम पे किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो कई सरकारों ने मजहब के नाम पे मुसलमानों को अपीज करके उनको रिजर्वेशन देने की कई बार कोशिश की, और जब आप उसमें विफल रहे तो आपने 1993 में क्या किया कि उनका रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो रिजर्वेशन के माध्यम से आपको पैसा ही तो देना है, करोड़ों रुपये तो लुटाना है, उनके लिए सीटें ही तो बुक कर देनी है, उनके लिए स्कॉलरशिप ही तो बुक कर देनी है। तो आपने 1993 में कांग्रेस सरकार की देखरेख में एक नोटिफिकेशन निकला और रातों रात जो जिहादी कांग्रेस के अंदर शामिल थे, जो आज भी हैं, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि देखिए साहब 1992 6 दिसंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के ऊपर जहीरुद्दीन बाबर के कारण जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी उसको तोड़ दिया गया है, मुसलमान बहुत आहत है, तो मुसलमान को क्या करना है? अपीज करना है। तो पहले तो दूसरे तरीके से किया, अब गैर संवैधानिक तरीके से आपने क्या किया कि 1993 में आपने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भारत के अंदर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, 20 से 25 करोड़ और 30 करोड़ के बीच की आबादी इस देश में अल्पसंख्यक घोषित हो गई, और साथ में 1984 में जिन सिखों को आपने हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश की गई, सनातनियों के खिलाफ खड़ा किया गया, यानी सनातन परिवार के सबसे बड़े बेटे सनातनी को उस सनातन परिवार से दूर किया गया एक रणनीति के तहत, ताकि आपकी राजनीतिक सत्ता चलती रहे और सनातन परिवार कमजोर हो। तो आपने सिखों को भी एक अलग धर्म घोषित कर दिया, एक पारसी और ईसाई और बौद्ध, ये 5 लोगों को यकायक अपने 93 के नोटिफिकेशन में कहा कि ये सारे लोग अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हम एक अल्पसंख्यक आयोग बना रहे हैं कि इन अल्पसंख्यकों को मदद करनी है। तो पहली तो इसकी घोषणा ही भारत के संविधान की, जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर भावना थी उसी के विपरीत है। यानी आप एक तरफ तो 76 में सेकुलर देश बनाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट करते हैं बगैर किसी की परवाह किए, बगैर सहमति के, और उसके बाद फिर 93 में आप मुस्लिम जो माइनॉरिटी कमीशन बना देते हैं, और उस माइनॉरिटी कमीशन में 50,000 पारसी है, 2.5% सिख है, बौद्ध ना के बराबर है, लेकिन 30 से के आसपास के करोड़ की एक आबादी को कहते हैं ये माइनॉरिटी है। करोड़ों का बजट है, अरबों का बजट है, वो चल रहा है। और जब 2020 के भारत में कोई ये सवाल सरकार से पूछता है कि आपने 1993 में किस बुनियाद पे लोगों को माइनॉरिटी बताया, उसकी क्या परिभाषा है, उसका क्या बेसिस है, तो सरकार आरटीआई के जवाब कहती है कि 93 में जब यह किया गया तो ना इसकी कोई परिभाषा हमारे पास है, ना इसका कोई बेसिस है कि किस बेसिस पे हमने कुछ को माइनॉरिटी कहा, कुछ को माइनॉरिटी नहीं कहा, और किसको माइनॉरिटी मान लिया, कोई नहीं है उनके पास, ये लिखित जवाब है। और आप जानते हैं कि आरटीआई के द्वारा मिला हुआ जवाब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वो एफिडेविट जैसा होगा, उस पर डिबेट नहीं हो सकती कि नहीं ये हमने तब ऐसे ही दे दिया था, असली कागज ये नहीं कह सकती सरकार। ये बात अलग है कि इस सरकार का ये 93 में ये सरकार नहीं थी, आपने ये दिया तो पहले तो आपने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, फिर तीसरा काम आपने क्या किया कि आप ये नहीं बता पा रहे कि आखिर इसकी परिभाषा, फिर चौथा क्या बड़ा काम किया आपने जो और नहीं बताया गया आपको, तो जो बहुसंख्यक समाज था उसके लिए संविधान बना देश के नाम पे, और पहला डिस्क्रिमिनेशन हो गया साहब रिजर्वेशन। उसने ये सोच के कि ठीक है इस
आधुनिकता की दौड़ में, पढ़ाई में, लिखाई में कुछ समाज के हमारे अपने लोग पीछे रह गए हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा स्पेस देनी चाहिए। लोगों ने कहा 10 साल की बात है, कोई बात नहीं। तो वो 10 साल से चलाया आपने, आज तक चल रहा है, एक तो पहला है। फिर जब भारत आजाद भी हो गया और फिर आपने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, और इस माइनॉरिटी कमीशन में आपने क्या करा, या नहीं मुसलमान जो इस देश में संपन्न है ठीक ठाक तरीके से, लेकिन ये एक नैरेटिव है कि मुसलमान कमजोर है, पिछड़ा है, शिक्षा की कमी है, और शिक्षा की कमी है इसलिए वो थोड़ा भटक जाता है। तो शिक्षा की कमी ब्राह्मण में भी है, ठाकुर में भी है, कुर्मी में भी है, कायस्थ में भी है, बनिए में भी है, दलित में भी है, यादव में भी है। शिक्षा की कमी से वो भटक करके आतंकवादी क्यों नहीं बनता है भाई, वो देश को क्यों नहीं तोड़ता है, वो अपने आप बिना कानून बनाए हैं परिवार नियोजन के फॉर्मूले को क्यों लागू कर लेता है। तो आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया, और उसके माध्यम से पारसियों ने आज तक उसमें से कुछ बड़ा हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो संपन्न है। आज तक पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक सिख ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, एक सिख ऐसा नहीं मिला जिसने दुनिया की हर जगह संकट आया हो, इंग्लैंड में आया हो, भारत में आया हो, जहां दूसरों की मानव सेवा करके अपने पैसे से, अपने ईमानदार के पैसे से कमा के लंगर न लगाया हो। बौद्ध आपके पास गए नहीं, जैन आपके पास गए नहीं, तो ये तो आपने शुद्ध रूप से मुसलमानों को भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे खुश करने के नाम पे, अपीस करने के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए की आपने उनको स्कॉलरशिप दी, उनके इंस्टीट्यूशन बनाए, आपने अलग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से एक चीज खड़ी कर दी, अब आपकी शिक्षा भी अलग है, आपने रिजर्वेशन के सीधे तौर पे उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया। तो इस देश का बहुसंख्यक समाज, उसे संविधान से कुछ नहीं मिल रहा, उसे व्यवस्था से कुछ नहीं मिल रहा, तो उसका काम है टैक्स दो। अपने हजारों करोड़ों मंदिरों को तोड़ने वाले उन मुगलों के जो वंशज यहां हैं, आपके न मंदिर सुरक्षित हैं, आपने मंदिर में हमारा चढ़ाए हुए पैसे में से हम 100 रुपए चढ़ाते हैं, आप 80 रुपए ले जाते हैं सरकार, वो पैसा भी आप माइनॉरिटी कमीशन को और हज की सब्सिडी में देते हैं, वो भी आप मुसलमानों को खुश करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4-4 सेंटरों के लिए लाखों बीघा जमीन दे देते हैं, और कहते हैं कि एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तो एक पाकिस्तान बनाया था, अब हम 4-4 यूनिवर्सिटी बनाए दे रहे हैं, आगे यही सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए सत्ता पे कौन है कौन नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है। सवाल यह है कि सत्ता पे बैठने वाले तो चले जाएंगे, लेकिन राष्ट्र परमानेंट रहेगा, और राष्ट्र जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक राष्ट्रवादी किसी इस संविधान से अपने आप को ताकतवर नहीं समझेंगे। तो आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया, अरबों खरबों रुपया सन 1993 से लेकर के आज तक आप उनको दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ लिख के दिल्ली स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनता है जफरुल इस्लाम, और चिट्ठी लिखता है इस्लामिक देशों को कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आप इन्हें सबक सिखाइए। आप किसे पैदा कर रहे हैं? लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल है, जो मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूं, कि पहला सवाल तो यह उठाएं कि यह माइनॉरिटी कमीशन ही इल्लीगल है, गैर संवैधानिक है। सब कुछ कोर्ट के भरोसे मत छोड़ दीजिए, कोर्ट में भी ज्ञानी लोग नहीं है कि सब कुछ ज्ञानी है, वो हर चीज का ज्ञान है, उनको राफेल का भी ज्ञान है, उनको सबरीमला का भी ज्ञान है, उनको दहीहांडी की लंबाई का भी ज्ञान है, उन्हें जलीकट्टू का भी ज्ञान है, कुछ नहीं है। ये राज सत्ता इसलिए, और राज सत्ता के तमाम सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वो इसलिए राष्ट्र के ऊपर हावी हो गए कि राष्ट्रवादियों ने राष्ट्र के प्रति अपनी चेतना को छोड़ दिया, उन्होंने राष्ट्र छोड़ करके वो राज सत्ता के इर्द गिर्द ही ये सब कुछ समझने लगे, और राष्ट्र मजबूत नहीं रहा। इसलिए राष्ट्र सत्ता आपको यह तय कर रही है कि सबरीमला पे जेंडर जस्टिस होना चाहिए, और राज सत्ता को जो डरा देगा
जो राज सत्ता को धमका सकता है, उससे ये राज सत्ता ये नहीं कह पा रही कि ये भोंपू जो पांच वक्त आप अजान देते हैं, इस्लाम में नमाज है, अजान है, ये आपके इस्लाम का हिस्सा है जो 1400 साल पहले अरब से शुरू हुआ था, आप दीजिए। लेकिन माइक तो अभी आया है 100 साल पहले, तो आप ये कैसे कहेंगे कि हम माइक पे ही देंगे? इस देश में हजारों करोड़ों लोग हैं, 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, और ये बात मैं सब पे लागू कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलती? ये सुओ मोटो उसको नजर नहीं आते कि आप एक सेकुलर स्टेट में किसी को लाउड स्पीकर पे पांच वक्त ये चिल्लाते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं हो सकती? तो पहली बात तो ये अजान का ये हिस्सा ही एंटी सेकुलर है, और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए कि आप इतने डर गए हैं, तो भाई आप इन माइक को उतरवाइए, कहिए भाई इससे लोगों को नुकसान डिस्टर्बेंस होता है। हजारों बच्चे आज के युवा कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, रात के दो दो तीन तीन बजे आते हैं, आप चार बजे शुरू हो जाते हैं, और फिर आप एक नहीं होते क्योंकि आपका एजेंडा नमाज पढ़ने से पहले जो अजान दी जाती है अजान में नहीं है। आप अजान के माध्यम से इस सेकुलर भारत में इस शांति प्रिय सनातन के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि हम संविधान से भी ऊपर हैं, हम संसद से भी ऊपर हैं, इसलिए अगर कोई फैसला दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो मानेंगे नहीं। और इस देश की पुलिस को आपने इतना डरा दिया है कि आप की पुलिस आपके संसद से पारित हुए कानून को, भारत की अदालतों से दिए फैसलों को जमीन पे लागू नहीं करा पाती, क्योंकि आपने ऐसी सरकारें चुनी। तो आप पहला यह सवाल उठाएं कि माइनॉरिटी कमीशन जिसका करोड़ों का बजट है, हर बार जो सरकार आती है कोई 300% बढ़ा देती है, कोई 500% बढ़ा देती है, क्यों? कि उनको लगता है कि अगर वोट बैंक है कोई तो यही है, बाकी तो है नहीं। तो आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जगन नगरात आपने क्या किया कि आपने कहा कि अब हम हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे, तो हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन बन गया। लेकिन मुझे बताइए, इसमें कोई तर्क है, कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग मुझे बताइए कि जब आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मुसलमानों के लिए ये जो जकात बांट दी आपने मंदिरों के पैसे के से लेकर के, इस देश के बहुसंख्यक ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे को आपने अपनी राजनीति के लिए ये योजनाएं जो बांटी, लेकिन भाई जब एक ही आदमी को केंद्र से एक पॉलिसी का फायदा मिल रहा है, फिर राज्य में आपको माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाने थे? हर राज्य में बने, लेकिन वहां दूसरा जघन्य अपराध अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो रहा है, ये या आज के युवा समझें। आपका दायित्व क्या है? आप इन मुद्दों को उठाइए, और आपके पास कम्युनिकेशन के वो तमाम मींस हैं कि आपकी आवाज दूर दूर तक जाएगी और सरकारों के कान तक जाएगी, और जो लोग अगर मगर ये वो करते हैं उन तक जाएगी। आप ये कहिए कि जो राज्य का अल्पसंख्यक आयोग है, हमें यह गलतफहमी थी कि जो राज्य के अल्पसंख्यक आयोग हैं वो राज्य वाले अपना काम करेंगे। उनको लगता था कि भाई राज्य का अगर अल्पसंख्यक आयोग है तो वहां पे भी अल्पसंख्यकों को कोई फायदा होगा, तो लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ और, हुआ यह कि आपने जो राज्य में अल्पसंख्यक आयोग बनाए उसकी तो आपने कहानी अलग जबरदस्त है। वहां यह स्थिति कर दी है कि जो राज्य है, राज्य के अंदर भी जो राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी है उसको राज्य में भी वही माना जा रहा है। इसकी मिसाल यह है कि आपने क्या किया कि आपने कहा कि अगर लक्षद्वीप नाम की जगह है और लक्षद्वीप के अंदर अगर 2% हिंदू हैं, तो 2% हिंदू वहां मेजॉरिटी है और 98% हिंदू जो है वो वहां पे माइनॉरिटी है। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन आपके इस 93 के
जो आपका नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में 28% हिंदू मेजॉरिटी है और 71% मुसलमान माइनॉरिटी है। इस 1993 के, इसलिए 2011 का सेंसस देश के 8 राज्यों में हिंदू जहां माइनॉरिटी में है और कहीं तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, 2% है। लक्षद्वीप में, मेघालय में 11%, मणिपुर में 31%, अरुणाचल में 29%, नागालैंड में 8%, मिजोरम में 2.75%, जम्मू कश्मीर में 28.44%, पंजाब में 38%, ये तमाम सारी परसेंटेज है 8 राज्यों में भारत के हिंदू की। लेकिन 1993 का नोटिफिकेशन ये कहता है कि आप मेजोरिटी में हैं। इसलिए राज्य का अल्पसंख्यक आयोग जहां वहां भी करोड़ों का अलग अलग बजट बना हुआ है, वहां भी लाखों रुपए की योजनाएं जो है मुसलमान को दी जा रही हैं, लिहाजा आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड ये रखा और ये चल रहा है। इसे दुनिया की किसी अदालत में 5 मिनट में खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन भारत की अदालतें भी सेलेक्टिव हैं, जो उन्होंने किया वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो 2% लक्षद्वीप का हिंदू मेजोरिटी है, इसलिए राज्य का अल्पसंख्यक आयोग उसे मदद नहीं करेगा। वहां 90% मुसलमानों को करेगा, उन्हीं मुसलमानों को जिनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से भी मदद मिल रही है। यानी एक आदमी को कैसे 4 तरफ से मदद दे, यह रास्ता चोर दरवाजा सरकारों ने ढूंढ लिया है और यह खुलेआम 93 से चल रहा था। जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो देखिए इंस्ट्रूमेंट जो सरकार के हैं वो कैसे काम करते हैं। उन्होंने जो पिछले चीफ जस्टिस थे गांगुली साहब, उन्होंने कहा कि 3 महीने में सरकार को इसकी व्याख्या देनी चाहिए कि माइनॉरिटी कौन है और कैसे है। इस बीच में वो रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए तो वो चले गए। तो जो नए हैं, चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, अब जिस बेंच में ये आया उस बेंच के जो जज हैं उनकी अपने एजेंडे हैं। वो मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि भाई ये पेंडोरा बॉक्स क्यों खोलना चाहते हैं आप। अब कोर्ट ये पूछ रही है, सबरीमला पे तो इनको पेंडोरा बॉक्स नहीं लगता था, दही हांडी पे नहीं लगता था, क्योंकि जब भी बहुसंख्यक समाज से जुड़ा कोई मसला होगा और अल्पसंख्यक की आड़ में इस देश में मुसलमानों को अपीस जब तक नहीं किया जा सकेगा, हर आदमी बड़े चौड़े से बात करेगा। तो क्या झूठ और मक्कारी की कोर्ट ने कि जिस पिटीशन के माध्यम से हमारे दोस्त अश्विनी उपाध्याय लड़ रहे हैं, कोर्ट मुस्कुराते हुए एक मक्कारी की हंसी, एक मजबूर ऐसी स्थिति में जो आदमी लड़ रहा है वो साधनों से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, उससे आप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसको आप हाई कोर्ट्स में जाकर के लड़िए। और जब उन्होंने कहा कि हर राज्य के हाई कोर्ट में जाने के लिए मेरे पास उस राज्य का आधार ही नहीं होगा तो मैं केस कैसे करूंगा, तो बोले चलिए पहले दिल्ली के हाई कोर्ट में जाइए। आपने पिछले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात को तो खत्म कर दिया क्योंकि वो चले गए, तो 3 महीने का जो पीरियड था उस पे सुप्रीम कोर्ट तो परमानेंट था ना, चीफ जस्टिस तो आएंगे जाएंगे, तो चीफ जस्टिस का आदेश अगर अगली बेंच में जाना चाहिए था तो बेंच वाले कहते कि भाई सरकार को जवाब दे सरकार, तो आपने कहा छोड़ो ना क्या फर्क पड़ता है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब आपने कहा राज्यों में जाइए, हर राज्य में जाएं, हर स्टेट में जाकर के उस माइनॉरिटी कमीशन के खिलाफ आप लड़ें, खासतौर से वो जो 8 राज्य हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है वहां PIL दाखिल करें और हाई कोर्ट से पूछें कि भाई आपके देश में, आपके राज्य के अंदर यहां माइनॉरिटी जो है लक्षद्वीप में हिंदू है, कश्मीर में हिंदू है, इनको माइनॉरिटीज कमीशन के माध्यम से सहायताएं स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, यहां की मेजॉरिटी को मिल रही है। तो अब वो अकेला एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, बड़े बड़े लोग उसके पीछे खड़े तो हो जाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन इन कामों में उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ होते हैं, तो वो आदमी आज नहीं लड़ पा रहे। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि कल कोई एक और ऐसी सरकार आ जाए
वो ये कह के नहीं, अब हमें जिले लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन बनाने हैं, फिर हमें तहसील लेवल पे बनाने हैं, फिर हमें गांव के लेवल पे बनाने हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक की भूख और सत्ता को पे काबिज रहने के लिए आप इस देश की सारे सिस्टम को चरमधर्म कर दीजिए। और क्योंकि सनातनी और बहुसंख्यक समाज सोना चाहता है, जगना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, अपने अधिकार की बात नहीं करना चाहता, यह सब कुछ बहुसंख्यक समाज चाहता है, यह पुलिस करे, यह काम मोदी को कानून बना देना बना रहे, आप उस पर क्यों नहीं करें? अरे भाई तुम भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे? कि सब कुछ मोदी करेगा, सब कुछ योगी करेगा, आप किस काम पे सड़कों पे निकलेंगे? आप तो जेन्युइन बात के लिए सड़क पे नहीं निकल रहे। और जो लोग इस देश के खिलाफ संसद द्वारा पास किए हुए कानून, जिसको इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से पूरे बहुमत से पास किया, उसके खिलाफ भी लोगों ने रेलों में बसों में आग लगा दी, हजारों करोड़ों लाखों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में आग लगा दी, सड़कें रोक दी, सुप्रीम कोर्ट उनकी ठोड़ी में हाथ डालने के लिए अपने नुमाइंदे भेज रही थी कि उनसे बात करिए वो हट जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का कानून भी पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट की ताकत भी पता चल गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट की औकात है। अगर कल लाखों लोग सड़क घेर के बैठ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट निगोशिएशन के लिए लोगों को भेजेगी कि जाइए इनको मनाइए ये हट जाएं। पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करना पहले ही गैर कानूनी है, तो लाठी चार्ज नहीं हो सकती क्योंकि देश में हंगामा हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे जो फैसले दे देती है वो घर बैठ के दे देती है, अगर वो लागू नहीं करा सकती तो फिर फैसले देती क्यों है? और वैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के हर बड़े चीफ सेक्रेटरी को बुला करके झाड़ने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है, कोर्ट में बुलाते हैं और झाड़ते हैं, लेकिन शाहीन बाग से जिहादियों को, दंगाइयों को, गद्दारों को, इस देश के जो संविधान और संसद के खिलाफ, देश के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि 24 घंटे में सड़क खाली होनी चाहिए? तो ये डबल कानून चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि सनातनी लड़ नहीं सकता, मारता नहीं है, झगड़ा नहीं करता, छिन्न भिन्न नहीं करता, तो वो ये मानता है कि ये मेरा राष्ट्र है। इसलिए भले ही आप बसों में आग न लगाएं, लेकिन इस देश की सत्ताओं को, व्यवस्थाओं को मजबूर कीजिए, ये लड़ाई लड़िए। सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि भाई हमें नहीं पता, आप कानून के राज की बात करते हैं तो बताइए कि भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है माइनॉरिटी को लेकर के, ये माइनॉरिटी कमीशन। तो फिर तो संविधान की जरूरत ही नहीं है, कोई भी कानून नोटिफिकेशन से बना दो, जो आप काम संसद से नहीं कर सकते, जो काम आप कानून से नहीं कर सकते, उसे आप नोटिफिकेशन के माध्यम से कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, फिर जरूरत ही क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिव, जो इतना उनका एक्टिविज्म है, कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म है, वो नहीं पूछते, यहां पर आकर के सारा जुडिशियल एक्टिविज्म उनका समाप्त हो जाता है। दहीहांडी की लंबाई के पास समय है, नाली कहां साफ है कहां खराब है तब तो बहुत नजर आता है, तो जेंडर जस्टिस उन्हें मस्जिद में नजर नहीं आता कि वहां भी मुसलमान मर्द और औरत दोनों नमाज पढ़ेंगे, सबरीमाला पे नजर आता है, क्योंकि एक समाज वहशी नहीं है, एक समाज दंगाई नहीं है, बसों में आग नहीं लगा सकता, सड़कें नहीं रोक सकता, हत्याएं नहीं कर सकता, संवैधानिक पदों पे बैठ करके इस देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकता। ना मुराद एहसान फरामोश जैसा हामिद अंसारी नहीं बन सकता, जफरुल इस्लाम नहीं बन सकता। तो क्या आप एक न्यायप्रिय कानून संबद्ध समाज को हिंसक बनाने पर तुले हुए? क्या चाहते हैं कि एक शांति प्रिय धर्म के लोग, जिनके संस्कारों में, जिनके सरोकारों में लूटपाट, ये बलात्कार की संस्कृति नहीं है, क्योंकि वो ये सब नहीं करते तो सरकारें नहीं डरती, और सरकारें नहीं डरती तो कोर्ट नहीं डरती, और जो करता है सरकारें भी उससे डरने लगती हैं, और सरकार के संस्थान भी डरने लगते हैं। तो क्या आप इस देश के बहुसंख्यक समाज को, उस युवा को मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले, कानून अपने हाथ में ले ले? हजारों साल के उस संस्कृति, उस सभ्यता के खिलाफ
आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मनोदशा बदल जाए। आपको अगर यह समझ नहीं आ रहा है तो कुछ घटनाएं देखिए, हाल की घटना देखिए। हैदराबाद में एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ जिन चार लोगों ने खुलेआम रेप किया, सोचिए सनातनी समाज के लोगों के सामने क्या विकल्प रख कर दिया आपने। उन पुलिस वालों ने उन चारों को पकड़ लिया, दूसरे दिन मौके वारदात पर ले गए। कुछ बातें कोर्ट कचहरी कानून की भाषा में होंगी लेकिन समाज जो जानता है वही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वहां उन्हें खड़ा किया और फिर कहा कि इन्होंने भागने की कोशिश की, चारों को मार दिया। पूरा देश ने कहा यही होना चाहिए था, यह ठीक किया। अदालतें कानून कमजोर के लिए है, असहाय के लिए है, बाकी के लिए कानून है ही नहीं। उनके लिए कानून के तमाम हाथ जो कहे जाते हैं वो कुछ नहीं है। इसलिए हिंसक समाज से अदालतें डर रही हैं, सरकारें डर रही हैं, पुलिस डर रही है। इसलिए दंगाई किस इलाके का है तो वहां लाठी चार्ज होगी, और दंगाई किसी दूसरे इलाके में घुस जाए जहां आदमी कुछ नहीं कर रहा वहां मारपीट होगी, तो इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं, आप एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर रहे। और इस सभ्य समाज में जो संस्कारों से सभ्य है संविधान के कारण नहीं है। यह संविधान 1950 में आया है, ऐसे हजारों संविधान आए चले गए, लेकिन सनातनियों का सरोकार उस हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति से है। वो अपने आप से बंधे हुए हैं, उन्हें कोई किताब ने नहीं बांधा है। इसलिए जब आप कोई नियम बनाते हैं तो वो अपने संस्कारों की तरह उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं कि राज सत्ता ने कोई कानून बनाया है। लेकिन आप कानून के नाम पे सत्ता चलाने के लिए अगर उसके अंदर एक ऐसा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भर देंगे कि उसके मूल, उसकी परंपराएं, उसके आदर्श, उसके अपने ही आस्था और उपासना को समाप्त कर रहे हैं, अपने विश्वास को तोड़ रहे हैं, अपने देश को तोड़ रहे हैं, आपके कानून आपने धीरे 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 मंदिरों में घुस गया। हमारी आस्था का पैसा जो हमने दुर्गा पे चढ़ाया है, जो लक्ष्मी पे चढ़ाया है, जो राम मंदिर पे चढ़ाया है, वो आस्था का पैसा इस देश की स्टेट कैसे ले सकती है? क्या कोई कानून है बाकियों के लिए? इतना डिस्क्रिमिनेशन न करें। और जिन सरकारों ने किया है, आपकी जिम्मेदारी है कि इनको एक सो कॉल्ड सेकुलर शब्द आने के बावजूद भी मैं उसको मानने को तैयार हूं, जबकि भारत की संस्कृति में, मिट्टी में सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है। दुनिया की हर सभ्यता को हमने पनपने दिया और अपने भोलेपन के कारण हमने कभी उनसे पूछा नहीं कि ये क्या करेंगे। तो हमें पता है मलाबार केरला में क्या किया है, बंगाल में क्या किया है, बांग्लादेश में क्या किया है, पाकिस्तान में क्या किया है। ये बर्बर, ये किताबी मजहब जो पैदा होते हैं, पैगंबर पैदा होता है, किताब होती है, और उस किताब के नाम से आप आतंक मचाते हैं। कोई कहता है कि भाई ये जमीन जो है नहीं घूमती, कुछ सूरज घूमता है, तो उस किताब के मानने वाले उसे मार देते हैं। ये किताबें कुछ नहीं है, ये मजहबी किताबें, ये मजहब जो पैदा होते हैं, ये गिरोह है, गिरोह ये कब्जा करने के लिए पैदा हुए हैं, और मजहब का नाम लेकर के उनको उस तरीके से बताया जाता है। ओहो हो,
आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, यीशु के लिए कर रहे हैं। कौन सा ऐसा अल्लाह है जिसने कहा है इंसान को मारो, उसको कन्वर्ट करो, उसका रेप करो, ये सब जायज है? वो पूरी दुनिया में कहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई सुपीरियर नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये इस्लाम के मानने वालों ने 1400 साल में एक कैंची नहीं बनाई, एक सुई नहीं बनाई, और ये इतने एहसान फरामोश हैं कि काफिर की कैंची अगर ना होती तो ये मुसलमान भी ना बन पाते। तो इनका तो अजब अजब मामला है। ये काफिर की सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे और चाहेंगे कि कोविड के बीच में जल्दी से अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे ताकि हमारे बच्चों की शादियां हो, जलसे करें, जुलूस निकालें, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। और जब काफिर कोविड की दवा निकाल देगा उसे खाएं और फिर मस्जिद में जाके कहेंगे अल्लाह इन काफिरों को खत्म कर। कमाल के लोग हैं, कमाल का मजहब है भाई। लिहाजा भारत का युवा, ये जो माइनॉरिटी कमीशन है जो अरबों खरबों रुपया इसमें जा रहा है, आपका बच्चा पढ़ता है तो एक विश्वविद्यालय है जो किसी कम्युनिस्ट देश के कहने से यहां बनाया गया, उसमें रहने वाले के 10 रुपए की फीस होगी और पूरे देश के मेरे बच्चे, मेरे युवा वो हजारों हजारों रुपए का कमरे का किराया देंगे और यहां 10 रुपए के कमरे में लोग कन्हैया पैदा करेंगे, खालिद पैदा करेंगे, देश तोड़ने वाली ताकतें पैदा करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसे देश में जहां बार बार ये कहा जाता है सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, 135 करोड़ नहीं, साफ कहिए कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। बराबरी के चादर में इस देश के तोड़ने वाले मजहबों को आप ताकत दे रहे हैं, इस देश के साथ खड़े होने वालों को, इस देश की न्याय व्यवस्था को मानने वालों को, संसद के नियम मानने वालों को, कोर्ट के फैसलों को मानने वालों को आप कमजोर कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज देश काले कोट से ज्यादा चौराहे पर जो फैसले हो रहे हैं ये देश उसको फूल माला चढ़ा रहा है, ये देश ताली पीट रहा है। और इस देश के मीडिया को भी आपने वहां तक ले गए हैं कि आज मीडिया में आने वाले गेस्ट भी कहते हैं कि यही रास्ता है, ये अपनी न्याय प्रणाली के प्रति, इस देश के कानून संविधान के प्रति इतनी निराशा बहुसंख्यक समाज में पैदा न हो जाए कि अगर 5-10% लोग भटक गए तो अनारी अनार्की होगी इस देश में और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो 90% समझते हैं कि ये देश हमारा है, सत्ताओं पे पिछले 70 सालों में ऐसे दलाल बैठे जिन्होंने इस राष्ट्र को कमजोर किया, अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को मजबूत किया, सत्ता में रहे, सत्ता में लोगों को बांटा, खुद खाया और पिया चले गए। इसलिए मैं कहता हूं ये माइनॉरिटी कमीशन, राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन, आप जब सब जाएं गूगल पे चेक करें कि 93 से इसका बजट कितना बढ़ गया है, और आपने एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की भी दुकान अलग से खोल रखी है, उसमें भी करोड़ों रुपया जा रहा है, और जहां से अफजल गुरु पैदा होता है, मूसा पैदा होता है, दुजाना पैदा होता है, करीम टुंडा पैदा होता है, उन मदरसों को भी अलग से आप पैसा दे रहे हैं। कौन सी ऐसी पढ़ाई है जो मदरसों में पढ़ने वाली है जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए? क्या शिक्षा का समान अधिकार
क्या समान शिक्षा पूरे देश में नहीं लागू होनी चाहिए? जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने वेंकट चलैया आयोग बना था, उस वेंकट चलैया आयोग की यह सिफारिश है कि पूरे देश में शिक्षा एक ही होगी, सिर्फ उसमें इतना ही फर्क होगा कि वो तमिलनाडु में होगी तो तमिल भाषा में होगी, बंगाल में होगी तो बंगाली भाषा में होगी, लेकिन इतिहास एक सा होगा। नहीं किया आपने, क्योंकि आप इस देश की एक रूपता को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने राज किया, क्योंकि अंग्रेज ही तो आपकी पार्टी का फाउंडर था, उस पार्टी का फाउंडर ही अंग्रेज था भाई, जो पार्टी सत्ता में है, जिसके वंशज आज जो है गली वही तो है। तो आपने भी रूल करने का तरीका वही समझा। 2014 में आपने कहा जैन को भी अल्पसंख्यकों में कर दो और हिंदू धर्म को और हिंदू सोसाइटी को डाइवर्ट करो। फिर आपने कहा जाटों को भी अलग कर दो। फिर कर्नाटक का चुनाव हुआ तो आपने लिंगायत की बात शुरू कर दी, वहां उनको भी अलग कर दो, भाषा पे अलग कर दो, इलाके पे अलग कर दो। अलग करते करते देश ने आपको अलग थलग कर दिया है। ये देश 2020 का देश है जिससे आप कुछ छुपा नहीं पा रहे। जब तक एक तरफा नैरेटिव था तो ये देश जैसा दिल चाहे वैसा चलाया, वीर सावरकर के बारे में खूब झूठ फैलाया, और इस देश को मैं ऐसे 30-35 करोड़ हैं जिहादी जो उस झूठ को इसलिए चलाए रखना चाहते हैं क्योंकि उस झूठ के कारण उनकी वो सच्चाई पता ना चले, मौलाना आजाद जैसे फ्रॉड के बारे में बात ना हो, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे फ्रॉड के बारे में बात ऐसा ना हो, और जो प्रोफेसर नूरुल हसन था जिस मक्कार ने इस देश का इतिहास लिखवाने के लिए जो कमेटियां बनाई उनके बारे में चर्चा ना हो, इनको इधर ही रखो फंसा करके। लिहाजा 2020 के भारत में जो इस नई चेतना का मैं माहौल देख रहा हूं, आज भी बॉम्बे के एक बहुत बड़े रेडियो जॉकी ने मुझे फोन किया, कई लोगों से उन्होंने मेरी वार्ता कराई, ये जो करिश्मा भोसले ने किया है ये इसी चेतना के कारण है। जितनी समाज में लोगों को जगा दोगे, किसी के खिलाफ नहीं ना, संविधान के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुए हैं उन षड्यंत्रों को उजागर करना किसी के खिलाफ नहीं है, किसी सत्ता के खिलाफ नहीं है। इसलिए व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ी जाए। सत्ताएं बदलते रहे हैं, सत्ताएं आई हैं जाएंगी, राष्ट्र परमानेंट है, राष्ट्र रहेगा तो सत्ता है, अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो राज किस पे करेंगे। हमने 70 सालों में आम आदमी की सो पूरी सोच है वो राज सत्ता के, इसलिए राज सत्ता को मजबूत इसे बिठाइए, उनको चाट दीजिए कि हम आपको वोट इसलिए देते हैं, हम निजी तौर पे हमारा कोई एजेंडा नहीं है, जो आपने शुरुआत की है 2014 से। धीरे धीरे इन सरकारों में भी और मजबूती आएगी, जो भी लोग आएंगे वो दोबारा से वापस नहीं लौट पाएंगे, उनको समझ में आ गया कि 90 करोड़ सनातनी जागृत हो गया है, हम कोई बात बांटने की करेंगे तो ये हमारी सरकार बांट देगा। ये डर पैदा कीजिए सरकारों के अंदर कि सरकार हमने बनाई है, हमने रुपया भी दिया, पैसा भी दिया, नारे भी लगाए, पोस्टर भी लगाए, सब कुछ किया, अपने लिए नहीं कुछ मांगा, निजी तौर पे कोई स्वार्थ नहीं है, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन्हें बचाइए, उन्हें बताइए, शिक्षा बदलिए, इतिहास बदलिए, और ताकत रहती है जब तक बदलिए। लंबा लंबा प्लान करेंगे, सत्ताओं का पता नहीं होता कि कब चली जाएं,
सत्ता परमानेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसा मजबूर कर देंगे कि बनाए हुए जो पिछले 5-6 साल में आपने माहौल बनाया है, इसको जो तोड़ने की कोशिश करेगा, जो राष्ट्रवादियों को कमजोर करने की कोशिश करेगा, जो सनातन के खिलाफ कुचक्र करेगा, जो काशी के मंदिर का उद्धार करेगा, जो मथुरा में नाजायज तरीके से मंदिर तोड़ करके मुस्लिम मुगल बादशाहों के जो यहां नाजायज औलादें रहती हैं, जिनको बड़ा शौक है अपने आप को बाबर रोड और अकबर रोड रखवाने का, औरंगजेब रखवाने का, उन ताकतों को कमजोर कीजिए। दिल्ली की सड़कों पर एक भी ऐसा आक्रांत रहा जिसने भारत के ऊपर हमला किया हो, वो जितने भी अंग्रेज हों वो भी नाम बदले गए। क्या कनॉट प्लेस का नाम नहीं बदला गया? तो आज नाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप ये कहते हैं कि सत्ताओं में जो लोग आते हैं वही तय करते हैं, तो आपने तय किया ही ना। तो 5 साल में एक आदमी प्रधानमंत्री रहा, अपनी माताजी की लाश के से उपजी हुई सहानुभूति से लगा दी, तो वीर सावरकर की क्यों नहीं लगेगी? छत्रपति महाजी शिवराज की क्यों नहीं लगेगी? सुभाष चंद्र बोस की इंडिया गेट पे क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने सत्ता की दलाली नहीं की, आपने झूठा प्रचार किया ताकि लोगों में इनके पुरुषार्थ को कमजोर किया जाए। सावरकर के बारे में आपने अलग अलग किताबें निकाली, उस किताब के माध्यम से आप जनमानस को मूर्ख बनाना चाहते हैं, और आपको 30-35 करोड़ यहां रेडीमेड मिल जाते हैं कि जो आप जो नैरेटिव चलाते हैं उसको वो आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो तो औरंगजेब को भी जो है वली अल्लाह मानते हैं, वो तो उस कासिम जैसे बर्बर को जिसने हुसैन के खानदान को मारा उसे भी हजरत कहते हैं। तो सवाल यह है कि आज के युवा ऐसे मुद्दे जो आने वाले 100 साल तक आपके बच्चे और उनके बच्चे और उनकी पीढ़ियों को वो लड़ाई न लड़नी पड़े, इसलिए आपके संसाधनों पर देशद्रोही और गद्दार जो पल रहे हैं, जिनको राज सत्ताएं अपने किसी कारण से मजबूत करती रहती हैं, राज सत्ता पे ज्यादा निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। राज सत्ता को ताकत दीजिए, और फिर राज सत्ता से अपने मनमाने नहीं, मैं कह रहा कोई ऐसे नाजायज काम करने के लिए नहीं कह रहा कि राज सत्ता से कहिए ये कर दीजिए। और जो बार बार मैं फिर एक बात कहूंगा, बड़े सारे कमेंट मुझके लोग करते हैं भारत को हिंदू राज घोषित कर देना चाहिए, जो साहब ये कहते हैं लिखते हैं उनसे ये पूछिए हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद क्या होगा, और हिंदू राष्ट्र अगर घोषित नहीं भी हो रहा तो आप हिंदू हैं? पहले अपने सनातनी होने का परिचय दीजिए। मैंने कहा कुछ वस्त्रों का रंग बदलने से, कुछ मंत्रों का उच्चारण करने से सनातन नहीं होता। सनातन का मतलब है साहस। ये चंद गुंडे सड़कों पे जो आपको डरा रहे हैं और आप डर डर के एक शहर से छोड़ के दूसरे शहर भाग रहे हैं, ये सनातनी नहीं कर सकता। आप खुद हिंदू हैं क्या? सिर्फ नाम रखने से हिंदू अगर होता तो फिर बात ही क्या थी? ये दुकानें खोली हुई हैं आपने 1000, आपने खुद बांटा हुआ है हिंदुत्व को। आपकी राष्ट्र के प्रति कोई सामूहिक सोच नहीं है, आप समग्रता में नहीं सोचते, आपको अपना हित, अपनी जाति का हित ही राष्ट्र लगता है। नहीं, आपको इन जातियों में जिन्होंने बांटा उन्होंने रूल किया आप पे 1000 साल और उसके बाद भी। ये जो व्यवस्था है ये समाज को चलाने की है, ये पैदा होने से नहीं है। और जो परशुराम के वंशज हैं, पूछिए कि ये वाक्य परशुराम ने ही कहा था कि जन्म से सब दलित हैं, ये भगवान परशुराम ने कहा था कि जो जन्मा है वो दलित है, अपने कर्म से
वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, ठाकुर होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, ये अपने कर्म से तय होगा, पैदा होने से नहीं होता। लेकिन आपने कहा नहीं, हम इस कुल में पैदा हुए हैं तो हम सुपीरियर हैं। इस मानसिकता ने इस सनातन को कमजोर किया है और बौनों ने, लुटेरों ने, दलालों ने, बलात्कारियों ने आप पे 1000 साल तक रूल इसलिए किया है। इसलिए नहीं किया कि उनका पुरुषार्थ मजबूत था, क्योंकि आपने अपने पुरुषार्थ को समाप्त कर दिया और अपनी सत्ता कैसे बन जाए, अपना नफा नुकसान आपने देखा, समाज भाड़ में चला जाए, धर्म के प्रति जो आपकी ड्यूटी है वो बन, क्योंकि आपको लगा कि हमें अपने पास रखना है। इस लालची मानसिकता ने सनातन को किस कोने में जाके खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि 90 करोड़ होने के बाद भी पाल घर में दो साधुओं पे जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई, इस देश में तत्कालिक सोशल मीडिया पे उत्तेजना पैदा हुई, फिर समाप्त। जिंदगी है तो उसको नजीर की तरह लेते हैं। जिंदा कौमें एक घटना से हजारों साल तय करते हैं। हम तो अभागे हैं कि हमारे देश में आचार्य चाणक्य जैसा आदमी था। हम उसको पढ़ते नहीं हैं, हमने चाणक्य पूरी नाम तो रख दिया है क्यों, हम सिंबल में बिलीव करते हैं। आचार्य चाणक्य के पैर में जिस रास्ते में एक कांटा चुभ गया था, आचार्य चाणक्य ने उस कांटे को निकाल करके फेंका नहीं और पूरे दिन के कार्यक्रम मुलतवी कर दिए, सस्पेंड कर दिए और वापस लौटे और ढूंढा कि ये कांटे की उत्पत्ति हुई कहां से है। उनको सड़क के किनारे एक छोटा सा गोखरू का पेड़ मिला, उन्होंने उस पेड़ के चारों तरफ एक निशान बनाया, घर वापस चले गए, अगले दिन एक बाल्टी मट्ठा लेकर के आए और उस जहां से वो गोखरू पैदा हो रहा था उस मट्ठे की उस पेड़ की जड़ में मट्ठा डाल दिया। जिस राष्ट्र में ऐसे लोग पैदा हों कि एक घटना उनको उस जड़ से समाप्त करने की तरफ बढ़ा देती हो, उस देश में 70 सालों में करोड़ों समस्याएं पैदा कर दी, क्योंकि हम चेते नहीं। हमने बीमारियों को इलाज नहीं किया, ऑपरेशन नहीं किया, हमने बीमारी को थोड़ी देर के लिए ठीक कर दिया, जड़ से नहीं उखाया, क्योंकि हमने आयुर्वेद को भूल करके हम चले गए अंग्रेजी मेडिसिन पे, जो ये तो बताते हैं डॉक्टर साहब के इसे खाने से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि ये बीमारी आपको दोबारा ना हो, ये इससे खत्म होगी, ये मत करिएगा। हमने अब सब कुछ, जो कुछ भी पूरी दुनिया में हमारे पास था, सब छोड़ दिया हमने। हम आधुनिकता की दौड़ में इतनी दूर चले गए कि जिस हर चीज का इलाज था उसको हमने छोड़ दिया। आचार्य चाणक्य के देश, उस समाज के मानने वालों, अगर आपने गुलशन कुमार की हत्या को समझा होता कि जिस जिहादी ने उसकी हत्या की है, जिस अंडरवर्ल्ड के माध्यम से उसकी हत्या की गई थी, ये गुलशन कुमार की हत्या नहीं थी, ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सनातन संस्कृति को स्थापित करने वाले लोगों की हत्या थी। इसलिए 3 सालों में फिल्म बनी, मदरसे में मौलवी रेप करते हुए पकड़ा जाता है, इस पे फिल्म नहीं बनती है। मंदिर के अंदर पुजारी होता है, वही तमाम कुकर्म करता है, मंदिर का पुजारी लालची होता है, झूठा होता है, गद्दारों से और बदमाशों से और डकैतों से मिला होता है, उसकी ये भूमिका दिखाई जाती है। मंदिर में जाना पोंगा पंडिती है, मुसलमान ईमानदारी पैदा होता है, दाऊद नहीं पैदा होता कोई भी। आप सारे करेक्टरों के नाम ऐसे रखते हो। गुलशन कुमार की हत्या का अगर हमने संज्ञान लिया होता तो आज सुशांत राजपूत को आत्महत्या न करनी पड़ती। कई सारी फिल्मी हस्तियों के कैरियर समाप्त नहीं होते, धीरे धीरे सब बाहर हो गए। वो जानते थे कि इस दौड़ में रहने का मतलब है हत्या। एक बहादुर लड़की जिसने अपने बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई,
उस कंगना रनावत को भी कोशिश की जा रही है, वो टेलीविजन पे की जा रही है, वो बताती है कि मुझे भी ऐसा एहसास कराया जा रहा है, मुझे भी बात किया करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज हम बात सुनते हैं और इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं। ये 90 करोड़ सनातनी समाज कहीं कभी जागेगा या नहीं जागेगा? सब कुछ सत्ता नहीं करती, मैंने कहा सत्ता को मजबूर करना पड़ता है, अपनी भी सत्ता होती है तब भी मजबूर करना पड़ता है, क्योंकि घर में बेटा अपने बाप को मजबूर नहीं करता है तो वो भी साइकिल नहीं दिलाता है, वो मजबूर करने के लिए खाना नहीं खाएगा, कुछ उत्पात करेगा, कुछ गुस्सा करेगा, कुछ किताबों को फाड़ देगा, तभी जाके संज्ञान लेता है। ये सरकारें जिन्हें आपने बिठाया है इसको भी आपको मजबूर करना पड़ेगा। देशद्रोही ताकतें, पड़ोसी मुल्कों का पैसा, इस देश में इंटेलेक्चुअल मुसलमान सबसे बड़ा आतंकवादी है। केरल के अंदर कोई घटना घटती है, ये तमाम सारे जितने भी आते हैं, किसी की फ्रेंच कट दाढ़ी है, किसी की बकरा दाढ़ी है, किसी की टोपी गोल है, किसी की चौड़ी है, किसी का पजामा ऊपर है, किसी का नीचे है, ये सब आते हैं। केरल के अंदर इनका नेक्सस है, इसलिए केरल के अंदर एक गोल्ड का जो टेरर लिंक है उसके भी खिलाफ कहते हैं वहां तो चुनाव होने वाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठा रही है। वो जानते हैं कि नैरेटिव कहां जाना चाहिए, किधर ले जाओ। ये ताकतें इस 70 सालों में सत्ता व्यवस्था के अंदर घुस गई हैं। सरकारों के बदल जाने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं, हम व्यवस्था बदलने के लिए इस संविधान के साथ जो गलत काम हुए हैं उसे हमें बदलना है। इस संविधान को जिन्होंने इस हालात में कर दिया है उसे बदलना है। गैर तौर पे, नाजायज तौर पे, नोटिफिकेशन के माध्यम से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो कानून बने हैं उसके खिलाफ सड़कों पे उतरना है, बात कर देना है कि संविधान से सरकार चलेगी, जिस संविधान को हम भारत का धर्म ग्रंथ मानते हैं, जिस संविधान की सुबह शाम हम शपथ लेते हैं। अगर संविधान ही यह है, जबकि संविधान में कई चीजें ऐसे हैं जिस पर बहस हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पे संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है, चलाना संविधान के हिसाब से है। इसलिए आज के युवाओं से मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है, इस मुद्दे को उठाएं, इस मुद्दे से सिलसिले में जो भी कुछ जानकारी हो, मेरा अपना एक पेज है जिसके माध्यम से मैं चीजें डालता रहता हूं, पुष्पेन कुलशेष के नाम से है, वेरीफाइड है, आप लोग उस पर जा सकते हैं, मैं मुद्दे उठाता हूं, चीजें उस पर डालता हूं, और इन मुद्दों को जगाए रखने के लिए आज की जनरेशन की भाषा में उतने छोटे स्क्रिप्ट के साथ कुछ ऐसे तरीके से जिससे वो इस बात को समझें कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या वजह है कि आज हमारे लिए इंस्टीट्यूशन सिकुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें हम उस व्यवस्था में है ही नहीं। तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अंदर कश्मीरी मुसलमानों के लिए एक अलग से हॉस्टल बनेगा, लेकिन कमाल का देश है, थूक लगाकर के जो लोग कोरोना वायरस फैला रहे थे, तो झारखंड में कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम भगवा झंडा लगाए ले रहे हैं जिससे थूक लगाने वाले अपने लोगों को बेचे वो सब्जी, और हमारे जो लोग हैं सनातनी उनको थूक लगी सब्जी ना मिले, तो कानून बन गया, फौरन उठाया कि नहीं नहीं ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। लेकिन सड़क को रोक करके बैठ करके नमाज पढ़ना कौन से सेकुलरिज्म के फेवर में है? ये माइनॉरिटी कमीशन कौन से सेकुलरिज्म का फेवर है? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन सा फेवर है? ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस देश की सबसे ज्यादा जमीन इन दंगाइयों के पास है, ये मुगलों की जमीन है, उनके किले, उनकी चीजें, ये उनके पास क्यों है? क्या ये इनके बाप दादा छोड़ के गए थे? ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आए, उसकी देख रहे वो करें, ये पैसा उनके पास क्यों जाना चाहिए? लेकिन हमने ये सब होने दिया है, वक्फ बोर्ड के नाम से अरबों खरबों बीघा जमीन उनके पास है, हमने इस देश को तीसरी बार बांटने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन 2020 के सनातनियों, सत्ता को सत्ता तक रहने दीजिए, सत्ता को मजबूर कीजिए कि राष्ट्र हित में जो फैसले उठाएगा वही दिल्ली पे बैठेगा,
और समय कम है। आपको 1000 साल से इस देश में जो 30,000 मंदिर तोड़े हैं, इस देश की संस्कृति को नष्ट किया है, इस देश के इतिहास को नष्ट किया है, आपको अगले 4 साल के अंदर उन चीजों को बदलना है। और जो रह जाएंगे उसके लिए फिर सरकार को लाना है, फिर बदलना है। सरकार से हो सकता है कि कुछ लोग जिनके स्वार्थ नहीं सिद्ध रहे, जो अपने आप को बहुत बड़ा कानून मंत्री जाम मानते हैं, किसी सरकार में रह चुके हैं, उनकी ये चाह है कि उनको सरकार पद दे, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, आज सरकार में पद न मिलने से भारत राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो गए हैं, आज चीन देश की चापलूसी करने लगे हैं क्योंकि देश की सरकार ने आपको मंत्री नहीं बनाया। इसलिए ऐसे स्वार्थियों को भी बेनकाब कीजिए। जब राष्ट्र संघर्ष लीन हो, दुश्मन से आमना सामना कर रहा हो, तो देश के अंदर सत्कार और सत्ता के खिलाफ कम से कम उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पे देश लड़ रहा है। एक देश जिसने बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को नस्ते नाबूद करने की कोशिश की, आज उस देश के खिलाफ भारत की सत्ता युद्धरत है। यह युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं लड़ा जाएगा, सैनिक अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी गद्दार पैदा हो गए हैं जो पार्टी में भी हैं, जो संसद में भी हैं, जो राष्ट्रवाद का ठेका लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें पद नहीं दिया गया है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। तो भारत की सत्ता जब एक विदेशी ताकत के साथ लड़ रही है, तो आप उस सत्ता को कमजोर करने के लिए नए नए तर्क और शीर्ष नेतृत्व को कमजोर कर रहे हैं, आप दुश्मन के फाले में खड़े होकर के इंटेलेक्चुअल ज्ञान दे रहे, आप भी इंटेलेक्चुअल गद्दार हैं, आपकी भी गिनती उसी में होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक ऐसी पार्टी में नॉमिनेट हो गए हैं और आपकी सत्ता में चाह है, तो आप यकीन मानिए आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप गद्दार हैं, आप सत्ता के साथ और उस पार्टी के साथ अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए घुसे थे, वो कोई भी हो। आप टेलीविजनों पर जाकर के उसी पार्टी के होते हुए भी, उसी सरकार के हिस्से होते हुए भी, इसलिए कि आपकी जो हिडन एजेंडा था, जो निजी स्वार्थ थे, वो पूरे नहीं हुए। ऐसे निजी स्वार्थ वाले नेताओं से भी आप लोगों को सावधान रहना होगा। अमेरिका जाएंगे, लोग इनके लेक्चर कराएं, लोग इनको पैसा दें, और भारत में आकर के आप सनातन का डंका पीटें और सनातन की आड़ में आप अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, यह भी गद्दार है मेरी निगाह में, यह भी स्वार्थी लोग हैं। पार्टियों को चाहिए कि लोग आपको राष्ट्रवादी समझे, तो जो राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं उनको बाहर करें, इसमें कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। यह देश 1000 साल के बाद थोड़ा सा जगह है और कुछ मक्कार अपने स्वार्थ के लिए उसको कमजोर करना चाहते हैं। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और दुनिया भर में जहां जहां जाते हैं इनका बायकॉट होना चाहिए। यह नहीं हो सकता, राष्ट्र की बात करेंगे और जब अपने स्वार्थों की बात आएगी तो आप राष्ट्र से ऊपर, यह नहीं होने देंगे। आज के युवाओं, वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के तमाम पदाधिकारी मेरे दोस्त, सबसे मेरी विनती है कि आपने जो अलग जगाई है, सावरकर के काम को महाराज से निकाल करके, सावरकर के विचारों को मराठी भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन करके, उर्दू में ट्रांसलेशन करके पूरे देश में इसका प्रचार किया जाए, और सावरकर के कर्ता धर्ता उस परिवार के वारिस, उनसे फिर मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई है,
पूरा देश के साथ मिल गया है। सावरकर के विचारों को कश्मीर ने अगर पढ़ लिया होता तो ये मजहबी उन्मादी, ये इस्लामिक आतंकवादी कश्यप ऋषि के वंशजों को उनकी धरती से बेघर नहीं करते। 2500 मां बहनों बच्चों पिताओं को पुत्रों को हत्या नहीं कर पाते। इसलिए रणजीत सावरकर साहब और उनकी टीम श्रीनगर में सावरकर स्मारक की एक ब्रांच खोले, वहां से प्रचार शुरू करें नॉर्थ इंडिया में। उनके विचार क्या थे, क्या उनके बारे में झूठ फैलाया गया है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। पूछिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अकाउंट से 11,000 रुपए का चेक सावरकर स्मारक को भेजा। पता करिए उन कांग्रेसियों से जो तलवे चाटते हैं और बताते हैं कि हम बहुत महान हैं, उनसे पूछिए कि इंदिरा गांधी की वो चिट्ठी पढ़ें जो सावरकर की ऊपर एक किताब एस एन श्रीवास्तव साहब ने लिखी है, उस किताब में क्या लिखा है। उस किताब में नरसिम्हा राव की भी चिट्ठी है और इंदिरा गांधी की भी चिट्ठी है। और पूछिए उन्हीं कांग्रेसियों से कि जगजीवन राम किस पार्टी के थे, जो सन 1971 में डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको इंदिरा गांधी ने भेजा था सावरकर स्मारक का जब शिलान्यास हो रहा था। आप अपनी राजनीतिक सुविधाओं के लिए सावरकर को बदनाम करना बंद कीजिए, और आप बदनामी कर चुके हैं, अब तो अपनी इज्जत बचाइए कि आपने एक पार्टी के रूप में कहां कहां दलाली की हुई है, किस किस के पैसे से आपने करोड़ों करोड़ों रुपया आपने अपना एक मठ की तरह से बना रखा है। एक परिवार, एक ऐसा परिवार का ट्रस्ट है भाई, उस ट्रस्ट में भारत सरकार के बजट में से पैसा दिया जाता है, क्या बात है। ऐसी प्राइवेट लिमिटेड तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं थी भाई। आज विकास दुबे के मरने पे बड़े बड़े एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पूछ रहे हैं। ये जो सेलेक्टिव है ये नहीं पूछा इन्होंने राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, उस पर भी उसी तरीके से, उसी तर्कों के साथ, उसी बलबले के साथ, जोश के साथ टेलीविजन पे बहस होनी चाहिए। माधव सिंधिया की हत्या कैसे हुई, राजेश पायलट की दुर्घटना में मौत कैसे हुई, इस परिवार के दामाद का बाप कैसे मारा गया, भाई कैसे मारा गया, बहन का एक्सीडेंट कहां हुआ, किसने सुसाइड किया, इन सब पे नहीं, इनके ऊपर नहीं चर्चा होनी चाहिए। यहां तो जो लीगल लीगल है वो भी क्रिमिनल एक्सपर्ट है, जो छोटी छोटी पार्टियों के आते हैं, जो कश्मीर से दलाल आते हैं, ये हैदरी माजरी, ये सब सवाल पूछ लेते हैं, सब एक्सपर्ट हो जाते हैं, सब क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, पूछते हैं इसकी हत्या ऐसे कैसे हो सकती है, वैसे कैसे हो सकती है, इसमें यह भी तो हो सकता है। तो भाई माधवराव सिंधिया के प्लेन के बारे में भी पूछते कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, राजेश पायलट की भी हत्या के बारे में पूछते कि भाई कैसे कार में एक्सीडेंट हो गया, तब नहीं पूछा कि कार पहले पलटी थी या राजेश पायलट पहले पलटे थे, ये नहीं पूछा। जितेंद्र प्रसाद कैसे गए, संजय गांधी कैसे गया, राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, उनके दामाद के परिवार के तीनों लोग कैसे मारे गए, ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो तर्क बड़ा जबरदस्त है, तब तो लगता है हर आदमी एक्सपर्ट है, क्राइम का भी एक्सपर्ट है, पुलिस का भी एक्सपर्ट है, लीगल भी एक्सपर्ट है, सोशियोलॉजिस्ट भी है, ह्यूमन राइट की बात भी है। अरे भाई एक आध आदमी जाकर के PIL डालता ना कि नए जहाज में अपने 5 पत्रकारों के साथ में माधवराव सिंधिया का जहाज कैसे गिर गया, राजेश पायलट भारत का गृहमंत्री था, जयपुर जाते में कार से कैसे एक्सीडेंट हो गया, भाई इसका भी पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं, कोई गिरफ्तार हुआ कि नहीं, ये नहीं हुआ। जितेंद्र प्रसाद की मौत के बारे में नहीं पता किया किसी ने, दामाद के परिवार में बाप कैसे मारा गया, बहन कैसे कार में एक्सीडेंट हो गया, कैसे यहां थोड़े से यूसुफ सराय के अंदर एक छोटे से होटल में आत्महत्या कर ली, इनकी चिंता नहीं है। तो कुछ हत्याओं पे तो बहुत ज्यादा ध्यान होगा और कुछ हत्याओं के बारे में हम इतनी बारीकी के बात करेंगे लगा कि हर आदमी एक्सपर्ट है। कुछ आजकल मोहतरमाएं आने लगी हैं, किसी फिल्मी हीरो के रिश्तेदार हैं वो भी बहुत ज्ञान दे रही हैं। तो सुशांत राजपूत पे कोई सवाल उठाएगा तो ये कम्युनलिज्म है क्योंकि मक्कार उसमें जिहादी शामिल है।
तो ये अजीब नैरेटिव है इस देश के अंदर। अगर हत्याओं की जानकारी का इतना ही एक्सपर्ट है या हत्याओं के बारे में वाकई में जानना चाहते हैं तो फिर पीछे से शुरू करिए। तो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं आप? उनके वारिस तो सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हैं कि उनकी दोबारा से जांच कराओ, लेकिन उनकी जांच पे तो चुप्पी। जस्टिस लोया की जांच पे इसलिए कराओ क्योंकि उनके परिवार वाले कह रहे हैं। तो भैया लाल बहादुर शास्त्री की बहू बेटे पिछले 20-50 साल से कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, तो उसमें क्यों नहीं आप जांच कराते? तो हत्याओं की भी जांच होगी। वो 5-स्टार होटल में जो हत्या हुई है, जो ज्ञान बांटता घूम रहा है केरला में और मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये वाली मुस्लिम लीग ऐसी नहीं है, वो वाली वैसी थी, उस पर भी जांच कराओ। आप हत्या करेंगे कोई तो पुलिस इनकाउंटर में कोई मारा जाएगा तो उसमें आप बड़े तर्क निकालेंगे? तो ये झूठी मक्कारी चीजें बंद होनी चाहिए। सावरकर स्मारक के तमाम सारे लोग, मेरे साथी, मेरे दोस्त, इस संस्थान से जुड़ा हुआ हर वो आदमी बहुत पुण्य का काम कर रहा है, बिना पैसे के कर रहा है। और जो कमिटमेंट, जो कन्विक्शन मैंने सावरकर स्मारक के अंदर लोगों का देखा, मैं जब भी जाता हूं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुंबई की मेरी ट्रिप हो और मैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सावरकर स्मारक ने यह सिलसिला चलाया है, आप इसे जिंदा रखिए। यह कोविड और इस बीमारी से राष्ट्रवाद की लौ जला रहे लोगों को आप और तेज करिए, उनको और मौके दीजिए। आज सामूहिक तौर पे कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है, उसके बंधन है, लेकिन 21वीं सदी का ये जो मौका आपको मिला है, ये डिजिटल जो मीडिया है, इसके माध्यम से जो विचार लोग देश भर में रख रहे हैं, आप उनको मौका दें, आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के वो कुछ और उसमें ऐड करें। आप पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन बोलते हैं, जबरदस्त उनको पकड़ है सब्जेक्ट की। जनाब विक्रम सिंह साहब को बुलाएं, जीडी बख्शी साहब को बुलाएं, प्रोफेसर कपिल कुमार को बुलाएं, अंकुर शर्मा को बुलाएं, ललित अंबरदार को बुलाएं, सुशील पंडित को बुलाएं, ये तमाम सारे लोग बिना रुके दिन भर यही काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर एक और बेहतरीन पढ़ा लिखा, डीप जिसको कहते हैं, नॉलेज जिसको होती है, जेएनयू के अंदर प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, सब्जेक्ट के ऊपर उनकी पकड़, उसकी जानकारी और बिना लाग लपेट के शब्दों का चयन इतना खूबसूरत प्रोफेसर आनंद करते हैं कि मैं बार बार सोचता हूं कि जेएनयू में, जादवपुर में, हैदराबाद में अगर 10-10 भी आनंद रंगनाथन पैदा हो गए तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना रखा है कुछ लायर और वायरों ने, भाग जाएंगे। इसलिए ये तमाम सारे लोग हैं, इनको बुलाएं और अलग अलग विषय पे मुझसे बेहतर बोलते हैं, मुझसे बेहतर जानकार हैं, ये सिलसिला जारी रखें। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।